सरोज मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। मैम गुड इट्स फाइन। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। यू मे प्लीज टेक ओवर एंड स्टार्ट प्लीज। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग मैम। जी गुड मॉर्निंग। कुछ कह रहे थे। 9 बज रहा है, आप प्लीज टेक ओवर करें और स्टार्ट करें प्लीज। अच्छा शुरू करूं मैं? जी मैम शुरू करें। यस सर। ओके जस्ट अ मिनट। तूने वो इंटरनेट कनेक्शन पर मिला दिया। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। सो गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। या गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। जी नमस्कार। जी गुड मॉर्निंग। शुरू करें। गुड मॉर्निंग मैम। हां जी मैम शुरू करिए। यस मैम शुरू करें। सो ओके जी मैम। ओके गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग। सो वी कैन स्टार्ट। सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम रियली थैंकफुल टू डॉक्टर फायजा अब्बासी मैडम, डायरेक्टर UGCHRDC, मिस्टर एंड डॉक्टर सैयद एंड ऑल ऑफ यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। क्योंकि आप नहीं होते तो हमारा भी कोई वजूद नहीं होता। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को कि यू गेव मी दिस अपॉर्चुनिटी। एंड टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एथिकल कंसिडरेशन इन रिसर्च। यानी रिसर्च में एथिक्स की क्या अहमियत है, किस क्यों एथिक्स को हम इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं, तो इस पर आज हम डिस्कस करेंगे। टू बिगिन विद, क्योंकि आप देखेंगे कि NEP 2020 ने भी हैज गिवन लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू रिसर्च। यानी सिर्फ दो तरह की यूनिवर्सिटीज उन्होंने बात की है हायर एजुकेशन में, एक है टीचिंग इंटेंसिव और दूसरा है रिसर्च इंटेंसिव। और तीसरा जो है इवन ऑटोनोमस कॉलेजेस है वो भी या तो टीचर इंटेंसिव होंगे या रिसर्च इंटेंसिव होंगे। तो इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ रिसर्च हैव बीन गिवन इम्पोर्टेंस। एक और खास बात है रिसर्च की कि अगर आप 3 साल में BA करते हैं या BSc करते हैं तो आपको सिर्फ डिग्री मिलेगी, बैचलर डिग्री मिलेगी। लेकिन अगर आप 4 साल की करते हैं तो आप डायरेक्टली PhD कर सकते हैं। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च। लेकिन रिसर्च की इम्पोर्टेंस तभी रहेगी इफ वी फील एथिकल कंसिडरेशन। तो रिसर्च जैसे बेसिकली है, इट्स कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ न्यू नॉलेज ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स और वेरिफिकेशन ऑफ ओल्ड फैक्ट्स। यानी या तो हम नई कोई चीज ढूंढें या पुरानी चीज को वेरीफाई करें कि भाई ये होता है या नहीं होता है। सो वी यूज सिस्टमैटिक इंक्वायरी टेक्निक्स फॉर purpose to establish any theory on the basis of tested results. अब बहुत सारी अगर education के, वैसे तो आप from different background के academician बैठे हुए हैं, लेकिन अगर आप देखें कुछ एक जो education की theories हैं, they are basically their PhD work. यानी उन्होंने अपना PhD work इतना rigorous किया कि उनकी PhD को theory में convert कर दिया और हम सब उन थ्योरी को पढ़ते हैं। तो जनरेट्स ए बॉडी ऑफ नॉलेज फॉर डिजाइनिंग फंक्शनली इफेक्टिव प्रोग्राम। हम रिसर्च या इवैल्यूएशन भी इसलिए करते हैं जिससे कि हम जो भी प्रोग्राम इंप्लीमेंट करना चाहते हैं या प्रोग्राम शुरू करना चाहते हैं सो हम इफेक्टिवली उस प्रोग्राम को कर सके। और इसलिए पॉलिसी प्रोग्राम्स जितने भी आपकी NEP आप सोच रहे हैं, NEP ऐसे नहीं हो गई है कि NEP ओवरनाइट में NEP हो गई है। Even when I was in NCERT, I organized 63 meetings. I coordinated those meetings and we went up to the district level. Below that, we collected, discussed information with teachers, with the DIET faculty, with higher education faculty. So we also collected, that was the research of what are the needs and concerns at the school level and at the higher education level. And then they again collected information from various research studies
they collected information from different sources. So it is not only that over a period, overnight they brought out the NEP 2020. इसी तरीके से जो NCA बनाया वो भी ऐसा नहीं है कि उसमें आप देखेंगे बहुत सारी रिसर्च एनेक्डोट्स हैं, बहुत सारे लोगों के अपने सोच उसमें है. सो रिसर्च इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी पॉलिसी अगर हम बनाते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, सो वी नीड द रिसर्च सपोर्ट कि ये प्रोग्राम की जरूरत है या नहीं है, और इस प्रोग्राम में पहले क्या काम हो गया है, कौन सा काम अभी बाकी है, जो काम हुआ है क्या वो काम और दूसरी तरह से ढूंढने की जरूरत है. सो देयरफॉर देयर वी नीड अ रिसर्च. तो रिसर्च में जनरली हम क्यों करते हैं, क्योंकि वी वांट टू सॉल्व ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम. कोई भी प्रॉब्लम है उसको अगर सॉल्व करना है, उसको ढूंढना है, उसके कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ढूंढना है, तब भी हम रिसर्च करते हैं. और उस रिसर्च में जनरली प्राइमरी भी डेटा हो सकता है, सेकेंडरी रिसर्च मेथड भी यूज कर सकते हैं कि ऑलरेडी रिसर्चेस हो गई हैं. बहुत से लोग जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनको खंगालते हैं. जैसे अब आप देखेंगे कि सेंसिस का जब रिपोर्ट आएगा तो सेंसिस की रिपोर्ट के आधार पर बहुत सारी और रिसर्चेस होती हैं, उनका परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, ट्रायंगुलेशन ऑफ द डेटा करके देखते हैं कि व्हाट एल्स वी कैन ड्रॉ फ्रॉम दैट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिसर्च और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा. तो इसलिए कुछ डेटा हम प्राइमरी सोर्सेज से करते हैं कि हम लोगों के पास, बच्चों के पास, टीचर्स के पास या कोई और जो भी हमारी नीड्स है, प्रॉब्लम्स है, तो हम ओरिजिनल क्लाइंट के पास जाते हैं, ओरिजिनल जो पार्टिसिपेंट्स है उनके पास जाते हैं, एंड देन वी कलेक्ट द डेटा और ऑन बेसिस ऑफ दोस इंफॉर्मेशंस वी कम आउट, वी एनालाइज एंड वी कम आउट विद द फाइंडिंग्स. सो रिसर्च में मेजरेबल इंफॉर्मेशन भी होती है, वेरीफाइबल भी और मेजरेबल इंफॉर्मेशन भी होती है, और थियोरीज और प्रिंसिपल्स को डेवलप करने में भी हम रिसर्च, एज आई सेड कि हम यूज करते हैं. रिसर्च में कोई जरूरी नहीं कि हर बार ही स्ट्रक्चर्ड आपका क्वेश्चनेयर हो, कभी कभी आप अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर भी करते हैं, जैसे फोकस ग्रुप डिस्कशन करते हैं. क्वालिटेटिव डाटा में ज्यादातर एक क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन आप पूछते हैं, तो देर कैन बी स्ट्रक्चर्ड, देर कैन बी अनस्ट्रक्चर्ड, देर कैन बी सेमी स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनेयर कैन ऑल्सो बी डन. इंटरडिसिप्लिनरी भी करते हैं. For example, when I did my PhD, I did an interdisciplinary area. My PhD was economics of education. So economics bhi thi aur education bhi tha. So interdisciplinary area mein bhi research karte hain. Aap university mein karte hain, school education se related bahut sare you can say topic uthate hain. To interdisciplinary area mein bhi hum research karte hain, kyunki bahut sari cheeze education ya dimag jo hai koi watertight compartment nahi hai. It's related to all different areas. इसलिए मैनी पी ने भी बहुत अच्छी बात की है कि we have to multi-disparity होनी चाहिए, so that the students of higher education should interact with other students also, and they can develop their own profile, their own personality, their own way of thinking. तो उसलिए भी multi-disparity की जरूरत पड़ती है. इसलिए research को भी आप देखते हैं कि बहुत सारी researches हमारी, अब जैसे क्लिनिकल रिसर्च में भी सोशल एस्पेक्ट देखते हैं कि भाई ये हम स्टडी कर रहे हैं तो सोसाइटी पर उसका क्या इम्पैक्ट होगा, तो सोशल एस्पेक्ट भी देखते हैं. आप इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी देखते हैं, जब आप कोई भी ड्रग्स निकालते हैं तो उसमें ये भी देखते हैं कि ये ड्रग्स क्या अफोर्डेबल होगी या नहीं होगी. ड्रग्स तो हम निकालते हैं, इट्स वेरी इफेक्टिव, बट ओनली फ्यू पीपल कैन यूज इट बिकॉज इट्स वेरी कॉस्टली. सो उसका देन अदर वर्जन निकालते हैं. आप देखते हैं ना बहुत सारी दवाइयां हम लाते हैं, फॉरेन से मंगवाते हैं, वो बहुत महंगी होती है. हमारी उनकी जेनेरिक जो ड्रग वो है सॉल्ट, वो तो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, लेकिन उनका प्रोसेसिंग, उनके कंपनी का अपना ब्रांड, उसको देख करके भी कॉस्ट बढ़ जाती है. तो रिसर्च में इकोनॉमिक्स भी लगाया आपने और रिसर्च में क्लिनिकल रिसर्च भी किया. सो इट्स अ मल्टी डायमेंशनल रिसर्च भी कर सकते हैं. रिसर्च को आप जब डिफाइन करते हैं तो डेटा कलेक्शन से भी डिफाइन कर सकते हैं कि भाई हमने कैसे डेटा कलेक्ट किया. जैसे आपने डेटा कलेक्ट किया तो उसके हिसाब से सर्वे हुआ, या आपने स्टडी किया, या आपने इन्वेस्टिगेशन किया, या आपने एक्सपेरिमेंट किया, तो किस तरीके से डेटा कलेक्ट किया उसके बेस पर भी हम उनको
क्लासिफाई कर देते हैं, या हम ऑब्जेक्टिव के बेस पे भी क्लासिफाई करते हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव बेसिक रिसर्च है, प्योर रिसर्च है, या आपका ऑब्जेक्टिव जो है अप्लाइड रिसर्च में करना है कि ऑलरेडी रिसर्च तो एग्जिस्ट करती है लेकिन हम उसको यूज करना चाहते हैं। अब जैसे टेक्नोलॉजी तो आ गई है, टेक्नोलॉजी में लोगों ने रिसर्च की है, नाउ यू वांट टू सी द इंपैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी इन क्लासरूम टीचिंग, कि आपके क्लासरूम में उस टेक्नोलॉजी का क्या इम्पैक्ट होगा, क्या वो टेक्नोलॉजी इफेक्टिव होगी, किस तरह की टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी के डिसएडवांटेजेस भी क्या हैं। अ फोन इज वेरी इंपॉर्टेंट बट टू मच यूटिलाइजेशन, टू मच यूज ऑफ फोन इज ऑल्सो डेंजरस। तो ये सारी चीजें हैं जिसमें आप ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख करके करते हैं, आइदर प्योर रिसर्च और यू कैन से योर अप्लाइड रिसर्च। सिमिलरली टाइम के हिसाब से भी रिसर्च को आप क्लासिफाई करते हैं कि टाइम जो है क्रॉस सेक्शनल है या टाइम आपका लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज है। आई विल डिस्कस अबाउट द बहुत सारी ऐसी लॉन्गिट्यूडनल स्टडी हुई है लेकिन उसमें एथिक्स का बिल्कुल डाइल्यूट एथिक्स को यूज ही उन्होंने किया ही नहीं है, या आपकी क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव रिसर्च है। तो ये सारी चीजें रिसर्च में आती है क्योंकि क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम जनरली बहुत नैरो क्वेश्चन पूछते हैं, मल्टीपल चॉइस ज्यादा यूज करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी हम यूज कर लेते हैं, लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्च में हम जनरल क्वेश्चंस पूछते हैं बिकॉज वी वांट टू हैव इन डेप्थ एनालिसिस। जैसे किसी के बिहेवियर के बारे में जब हम स्टडी करें तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में देखा गया कि अगर क्वेश्चनर बनाएंगे तो लोग टिक मार्क लगा देते हैं उसके बेस पर। आप बहुत सारे ऐसे भी होते हैं क्योंकि डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो उन्होंने बिना देखे टिक मार्क लगाते चले गए, उन्होंने अपना एनालाइज भी नहीं किया। लेकिन जब आप एक क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो फिर वो एक क्वेश्चन को गलत कह देते हैं, दूसरे क्वेश्चन में वो कहीं ना कहीं आकर के पकड़े जाते हैं और उनको सही जवाब देना पड़ता है। तो क्वालिटेटिव डाटा भी है, इसी तरीके से आपका अनबायस्ड रहता है इसमें, क्योंकि अनबायस्ड इन द सेंस कि उसमें जो आपने इंफॉर्मेशन पूछी उसी इंफॉर्मेशन में वो दे रहे हैं। लेकिन क्वालिटेटिव डाटा में थोड़ा सा सब्जेक्टिविटी तो होता है कि व्यक्ति अपनी ओपिनियन दे रहा है, व्यक्ति उसके बारे में दे या ना दे उसकी बायसेस है। जैसे आपने अगर कोई कल्चरल इशू पर किसी रिलीजन पर पूछा है तो वो अनबायस से किसी लीडर के बारे में पूछा है तो एक कहेगा कि तो बहुत अच्छा है, दूसरा कहेगा कि ये तो आई डोंट लाइक इट, इसमें ये कमियां हैं। तो वो थोड़ा सा अनबायस्ड इंफॉर्मेशन भी हमें मिलती है क्वालिटेटिव डेटा में। लेकिन अगर हमने रियल स्टडी करनी है तो क्वालिटेटिव डेटा इज बेटर। लेकिन अगर आपने सर्वे करना है, पैटर्न जानना है कि किस तरीके की इंफॉर्मेशन होती है, जैसे ये आपके करते इलेक्शन से पहले प्री इलेक्शन डिक्लेयर करते हैं तो उसमें सर्वे है कि ट्रेंड क्या है वो ढूंढना चाहते हैं। इसी तरीके से इसमें स्टैटिस्टिक्स यूज होता है क्वांटिटेटिव डाटा में, जबकि क्वालिटेटिव डाटा में स्टैटिस्टिक्स यूज नहीं होता। और कभी कभी स्टैटिस्टिक्स को पॉजिटिव करने के लिए भी हम डाटा को मैनिपुलेट भी कर लेते हैं तो वहाँ एथिक्स को छोड़ देते हैं। इसी तरीके से इसमें क्वांटिटेटिव डाटा में बहुत वाइड आप डेटा लेते हैं लेकिन क्वालिटेटिव डाटा में आप वाइड डेटा नहीं लेते हैं। तो बेसिकली क्या है कि ये सब रिसर्च करने के लिए हमें एक तरह से एथिक्स की जरूरत है, यानी रिसर्च में एथिक्स होना और रिगर होना बहुत जरूरत है। जो भी हम शोध करते हैं वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी मस्ट हैव द एथिकल कंसिडरेशन। और इसलिए भी जरूरी है कि इंडिया में बहुत कल्चरल डाइवर्सिटी है, यानी हमारे यहाँ रूरल लोग भी हैं, हमारे यहाँ अर्बन भी हैं, लिटरेट भी हैं, इलिटरेट भी हैं, जेंडर बायसेस भी हमारे यहाँ अभी भी एग्जिस्ट करता है, डिसएडवांटेज ग्रुप के लोग भी हैं। तो ये सब देखते हुए वो कहते हैं कि एथिक्स की हमें बहुत ज्यादा जरूरत होनी चाहिए, और इसलिए भी होनी चाहिए कि हमारे यहाँ लैंग्वेजेस भी बहुत है, यानी इंडिया एक ऐसा देश है जिसमें बहुत सारी तो मेजर लैंग्वेजेस हैं लेकिन दूसरी तरह की लैंग्वेजेस भी हैं। 1600 से ऊपर हमारे यहाँ लैंग्वेजेस हैं, पॉपुलेशन 100% अभी लिटरेट नहीं है कि वो पूछ सके कि भाई जो आप रिसर्च कर रहे हैं उस रिसर्च में मेरा क्या नुकसान हो सकता है, मैं दूं या ना दूं, उससे देश का क्या भला हो सकता है। सो मोस्ट ऑफ द पीपल इंडिया में अभी भी इवन लिटरेसी का मतलब भी है कि दे आर जस्ट 3 R, यानी 3 R लिख देते हैं उसी, मतलब रीडिंग राइटिंग एंड लिटिल बिट अर्थमेटिक्स, उसको ही हम लिटरेट मान लेते हैं।
तो इस तरीके से और हमारी जो एजुकेशन है वो भी आप देखते हैं कि ज्यादा इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड है, रोट लर्निंग पर फोकस्ड ज्यादा है। तो ये सब ध्यान में रखते हुए हमें एक तरह से एथिक्स की जरूरत है। और क्यों एथिक्स की जरूरत है कौन बताएगा? व्हाई डू वी नीड एथिक्स देन? मैम रिजल्ट्स ही प्रॉपर नहीं आएंगे यदि हम एथिक्स को नहीं देखेंगे डेटा में, तो रिजल्ट्स ही गड़बड़ हो जाएंगे। वो तो बिल्कुल सही कह रहे हैं मैनिपुलेट, कि अगर एथिक्स को नहीं लेंगे तो हमारे रिजल्ट्स भी एक तरह से गड़बड़ हो जाएंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि इंडिया में एथिकल कंसिडरेशन को ध्यान नहीं दिया जाता। आप सभी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में हैं, आपके यहाँ रिसर्च रिव्यू कमेटी होती है, लेकिन वो रिसर्च रिव्यू कमेटी कितना एक तरह से रिग्रेसली उसको देखती है। और खास तौर से जो सोशल साइंस की रिसर्चेस हैं या एजुकेशन की रिसर्चेस हैं उसमें तो वो ध्यान कम ही देती है। ये बात मान के चलोगे कि क्लिनिकल रिसर्च में थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि जैसे आप कोई भी मेडिसिन, आप कोरोना आया था तो उसमें जब आपने जिन पे टेस्ट किया था तो कोशिश की गई होगी कि उनकी कंसेंट ली होगी, उनसे बातचीत की होगी, वो नॉर्म्स किए होंगे, क्योंकि इतना बड़ा देश है जिसमें भाषा ही बदल जाती है। आप पूछ कुछ रहे हो और वो बता कुछ रहे हैं। ये जो एसर की रिपोर्ट आई है तो पिछले बार किसी ने पूछा कि भाई जो डेटा कलेक्शन है उस डेटा कलेक्शन में कभी कभी क्या होता है कि बच्चे को सवाल समझ में ही नहीं आया। जब बच्चे को सवाल ही नहीं समझ में आया तो वो आंसर उसका सही कहां से देगा? तो अगर आप जो पूछ रहे हैं वो भाषा की वजह से, क्योंकि वो कहते ना कि दो कोस पर जबान भी बदल जाती है और दो कोस पर पानी भी बदल जाता है। तो आपने जिस डेटा कलेक्ट किया, क्या डेटा सही रूप में आपने कलेक्ट किया या नहीं किया, तो उसकी भी बात है। बहुत बार क्या होता है कि हम ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं, अब मुझे अच्छी तरह याद है रिसर्च स्टडी की गई थी अबाउट देयर मतलब इंटीमेट बिहेवियर के बारे में। अब वो स्टडी रूरल एरिया में आप जाकर के कहें तो बहुत सारे लोग आपको सही इंफॉर्मेशन, पर्सनल जो रिलेशनशिप इशू है उन पे जानकारी नहीं देंगे। तो वो भी एक बहुत बड़ा एक मुद्दा है कि गांव के लोग हैं, या गांव के लोग ऐसे भी होते हैं कि भाई आपके रिस्पेक्ट करते हैं, आप शहर से आए हैं, आप ये कर रहे हैं, तो वो इंफॉर्मेशन दे देते हैं और फिर कई बार हम उनकी इंफॉर्मेशन लीक भी कर देते हैं। रिस्पेक्ट, आउट ऑफ रिस्पेक्ट अगर उन्होंने दे दिया तो वो भी है। रिटन कंसेंट हम बहुत बार लेते ही नहीं है, हम मानते हैं कि इन्होंने इंफॉर्मेशन दे दी है मतलब इन्होंने कंसेंट भी दे दिए, वो ऑटोमेटिकली मान के चलते हैं। तो ये सारे कुछ मुद्दे हैं जिनके ऊपर इसलिए बात की गई है। और कभी कभी प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर को हम रिस्पॉन्सिबल मान लेते हैं तो वो भी डरता है, डरती है कि भाई सारा का सारा मेरे पर ना आ जाए कल को कुछ बात हो। तो बेटर है कि वर्बल ही कंसेंट ले ले और हम कहेंगे जी वर्बल कंसेंट ली थी और रिव्यू कमेटी ने हमारी अप्रूव की है। तो ये ऐसे कुछ मुद्दे हैं जिनको इसलिए ध्यान में रखने की जरूरत है कि हम करें। सो एथिक्स को फर्स्ट तो डिफाइन करने की जरूरत है कि भाई एथिक का मतलब क्या है। कुछ बताएंगे आप एथिक का मतलब क्या है? मैडम ने, सरिता जी ने तो बहुत अच्छा बताया, कोई और बताए? रितु दिखाई दे रही थी, मैडम रितु। मैम आइडेंटिटी भी रिल नहीं करनी है एज पर कंसेंट, हम सर्वे करते हैं तो आइडेंटिटी रिवील नहीं करना है उसमें, नहीं करनी है। सो बहुत अच्छी बात है कि उसकी आइडेंटिटी को हम जब तक कि वो ना चाहे तो रिवील नहीं करें। सो एथिक कहते हैं इज ए ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट इज कंसर्न्ड विद द मॉरल प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज व्हिच गवर्न अवर बिलीव्स, अवर एक्शन एंड अवर डिसीजंस। सो इट्स ए moral principles. Ethics refer to well-based standard of right and wrong. What is right and what is wrong that prescribe what human ought to do, usually in terms of rights. Ki ek jo aapke participants hain jo research mein bhag le rahe hain. Ji ma'am, aap sabhi, is it only me or others? Meri awaaz aa rahi hai aap sab tak? जी मैम, बिल्कुल मैम, यस मैम, यस मैम, यस मैम, यस मैम,
जी, तो एक तरह से ये है कि एथिक्स रेफर टू वेल बेस्ड स्टैंडर्ड ऑफ राइट एंड रॉन्ग, यानी सही क्या है गलत क्या है और क्या व्यक्ति को करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ राइट्स। ऐसा नहीं है कि मैं रिसर्च कर रहा हूं तो मेरा राइट है, मैं बल्कि उस व्यक्ति से जिस पर मैं रिसर्च कर रहा हूं उसका क्या राइट है, दैट वी हैव टू, हमारी क्या ऑब्लिगेशंस है, यानी हम क्या ऑब्लिगेशंस करना चाह है कि जब हम डेटा कलेक्ट करें तो किस तरीके से डेटा कलेक्ट करें। जी प्रेम डॉक्टर मैडम, डॉक्टर प्रेम रहता जी, मैडम बोलिए। हाँ चौधरी, डॉक्टर चौधरी बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर चौधरी चलिए आप नहीं बोल रहे हैं। सो बेसिकली है कि उनके क्या राइट्स हैं, हमारे क्या राइट्स हैं रिसर्च करने में। हमारे राइट्स इतना है कि हम जाकर के उनसे बात करें और बट हमारी ऑब्लिगेशंस ज्यादा हैं। और उस जो रिसर्च कर रहे हैं वो रिसर्च फॉर द सेक ऑफ रिसर्च, जनरली तो हम रिसर्च करते हैं फॉर द सेक ऑफ रिसर्च कि मुझे पीएचडी की डिग्री मिल जाए। डॉक्टर चौधरी यू हैव रेज्ड योर हैंड बट यू आर नॉट आस्किंग क्वेश्चन। सो कहीं चले गए होंगे मैम। जी कहीं चले गए होंगे, कहीं चले गए होंगे मैम। ठीक है मैम। जनरली क्या होता है, आपने पूछा कि यहाँ पे सब लोग हैं तो उन्होंने रेज हैंड किया, मे बी पॉसिबल ही इज नॉट देयर। जी 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 हो सकता है, राइट राइट। तो बेसिकली क्या है कि उसमें बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी क्या है, हम पीएचडी इसलिए नहीं कर रहे हैं ना कि फॉर द सेक ऑफ पीएचडी, वो तो है भाई हमारी रिक्वायरमेंट है, हमें उससे प्रमोशन मिलेगा, लेकिन पीएचडी कोई अच्छे से फील्ड में करेंगे तो सोसाइटी को भी लाभ होगा, है ना। रिसर्च तो इसीलिए करते हैं और इसी वजह से कि उसमें कुछ आपके स्पेसिफिक फेयर भी होना चाहिए कि जो डेटा कलेक्ट करते हैं। आई स्टिल रिमेम्बर व्हेन आई कंडक्टेड अ प्रोजेक्ट इन एनसीईआरटी, द रिजल्ट वाज नेगेटिव, इट वाज एन एक्सपेरिमेंटल स्टडी, आई वांट टू स्टडी द इंपैक्ट ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑन द पार्टिसिपेंट्स, व्हेन आई कंडक्टेड द स्टडी, पहले वो ज्यादा जानते थे बाद में उनका वो नेगेटिव रिजल्ट आ गए। हो सकता है कि पहले कई कारण हो सकते हैं कि पहले उनके बहुत सारे मिथ्स थे, वो जनरलाइज ऐसे कर रहे थे, उन्होंने टिक मार्क कर दिया, सारे सही पर टिक मार्क हो गए, बाद में उनको क्लैरिटी हो गई तो इसलिए उन्होंने सही पर टिक मार्क किया, या दूसरा ये था कि पहले से वो ज्यादा जानते थे बाद में उनके और भ्रम बढ़ गए तो उन्होंने नेगेटिव आंसर दिए। तो ऐसा है कि रिसर्च में, रिसर्च कैन बी नेगेटिव और रिसर्च कैन बी आपके पॉजिटिव रिजल्ट भी आ सकते हैं, तो हमें बदलना नहीं चाहिए क्योंकि पर हम डर जाते हैं कि अगर हमारे नेगेटिव रिजल्ट्स आए या हम जो है ना, आई हैव सीन मेनी ऑफ द पीएचडी थीसिस व्हेन आई इवैल्यूएट देयर सेज 99% इंक्रीज हो गया अवेयरनेस में, 99% पॉजिटिव एटीट्यूड बदल गया उनका बिहेवियर। इट इज नॉट पॉसिबल कि एक बार आपने 5 दिन की ट्रेनिंग की और आपका बिहेवियर पहले ही जीरो था और अब आपका 99% इम्प्रूव हो गया। तो कभी कभी हम फिर इस तरीके की स्टडीज को हम ज्यादा अहमियत भी नहीं देते। So person has done lot of work, but it was of no use. क्योंकि डेटा भी कलेक्ट किया आपने पर डेटा को क्योंकि मैनिपुलेट कर दिया इसलिए उसको कोई बिलीव भी नहीं करता। अब आप किसी से कहते हैं कि आपका एक्सपेंडिचर कितना है, वो कहेगा जी 5,000, आपको मैंने 5,000 का बजट दिया और आपका एक्सपेंडिचर भी 5,000, लेकिन आप कहेंगे नहीं नहीं 3,184 रुपये खर्च हुए हैं, तो आपको बिलीव कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप कहेंगे कि जी नहीं 4,999 रुपये खर्च हुए, तो कोई भी बिलीव नहीं करता है क्योंकि ऐसा एक्सपेंडिचर में होता नहीं है। सिमिलरली रिसर्च में भी ऐसा होता नहीं है। सो नॉर्म्स फॉर रिसर्च में एथिक्स का मतलब है कुछ नॉर्म्स है, कोड ऑफ कंडक्ट है। जैसे नॉट ओनली रिसर्च, हमारे लाइफ में भी आप यू आर वर्किंग इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, आपका कुछ कोड ऑफ कंडक्ट है कि आपको इंस्टीट्यूशन के खिलाफ ज्यादातर कोई भी ऐसी मीडिया में जाकर के बात नहीं करनी, यू आर नॉट सपोज टू डू इट, आपको टाइम से इस कॉलेज में आना है, दिस इज कोड ऑफ कंडक्ट, यू हैव टू टेक ए क्लास रेगुलरली। तो कुछ कोड ऑफ कंडक्ट है, सो दिस इज ऑल्सो एथिक्स। रिसर्च में भी कुछ कोड्स ऑफ कंडक्ट है, कुछ नॉर्म्स है फॉर कंडक्टिंग द रिसर्च स्टडीज दैट डिस्टिंग्विशेस बिटवीन एक्सेप्टेबल और अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर। So this is called ethics.
एथिक्स, जैसे मैंने शुरू में कहा, एथिक्स ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट इज कंसर्न्ड विद द मॉरल प्रिंसिपल. अब बहुत बार हम एथिक्स और मॉरल को एक साथ सिनोनिमसली यूज करते हैं. डू यू थिंक देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एथिक्स एंड मॉरल? एथिक में और मॉरल में कुछ अंतर है? हालांकि एथिक्स में मॉरल आता है, क्योंकि बिना तो एथिक्स में क्या है कि एथिक्स मॉरल दोनों ही राइट और रॉन्ग कंडक्ट को डील करते हैं, यानी क्या सही है और क्या गलत है. इसलिए हम मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरचेंजेबली चेंज करते हैं. हम कहते हैं ये हमारी मॉरल ड्यूटी है टू कंडक्ट दिस रिसर्च, और इसमें एथिक्स है. एथिक्स बेसिकली रेफर टू रूल्स प्रोवाइडेड बाई एक्सटर्नल सोर्सेस. एथिक्स की कमेटी है ना, उसने रूल्स बनाए. सो एक्सटर्नल से पर ज्यादा होते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट वर्क प्लेस में, वो एथिक्स में आता है. लेकिन मॉरल इंडिविजुअल के अपने प्रिंसिपल्स हैं. उन्होंने कहा ऑनेस्ट, माय मॉरल इज ऑनेस्ट, ऑनेस्टी. एथिक्स में वो आता है, लेकिन कई बार हम उस मॉरल के बगैर भी हम कहते हैं जी हाँ मैंने तो कर लिया है. तो मेरा पर्सनल वैल्यू सिस्टम क्या है, मेरे पर्सनल इंडिविजुअल प्रिंसिपल्स क्या हैं अबाउट राइट एंड रॉन्ग. काउंसिल, जैसे मैंने कहा कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आप जा रहे हैं, आपका एथिक्स है कि आप रोज क्लास लें, रोज पढ़ाएं. मेरा मॉरल प्रिंसिपल क्या है कि मैं जो पढ़ाऊं, चाहे मैं 15-20 मिनट पढ़ाऊं, लेकिन वो इतना पढ़ाऊं कि वो 2 घंटे के बराबर हो जाए. बट देर इज ए कॉन्फ्लिक्ट ना. वो तो कहते हैं कि आपको 9 बजे आना है और आपको 9:45 में क्लास छोड़नी है, लेकिन मेरा मॉरल कहता है कि 9 बजे आकर के और मैं गपशप मारता रहूं और मैं पढ़ाऊं नहीं. तो वो मॉरल और उसमें फर्क हो गया ना एथिक्स में, कि वो कोड ऑफ कंडक्ट ने तो ये कहा था और मैंने जो है उसको अपना, मेरा मॉरल जो था मैंने कहा भाई गपशप कर दो और खत्म कर दो, लेकिन मेरा मॉरल कहता नहीं, 9 बजे का मतलब है कि मुझे क्लास को इफेक्टिवली डील करना है. तो वहां पर दोनों कोइंसाइड हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे को पूरक हो जाते हैं. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एथिक्स, मॉरल और वैल्यूज. वो कहते हैं एथिक्स के ज्यादा 4 प्रिंसिपल ज्यादा इंपॉर्टेंट है. पहला है ऑनेस्टी, जो कि मॉरल भी है क्योंकि एथिक्स में मॉरल तो आता ही है. ऑनेस्ट होना बहुत जरूरी है. वॉट एवर यू कलेक्ट द डेटा, वॉट एवर यू अडॉप्ट द रिसर्च डिजाइन, दैट मीन्स यू हैव टू बी ऑनेस्ट. आप जिस पार्टिसिपेंट से, जिस टारगेट ग्रुप से वी आर कलेक्टिंग डेटा, वी हैव टू टेल देम ऑनेस्टली दैट फ्रॉम व्हाट पर्पस वी वांट टू कलेक्ट द डेटा. इससे आपको क्या हार्म भी हो सकता है थोड़ा बहुत, इससे आपको क्या फायदा भी हो सकता है. आपको कोई फायदा नहीं हो सकता, पर देश को फायदा हो सकता है. सो वी हैव टू बी ऑनेस्ट इफ वी आर फॉलोइंग द एथिक्स. सेकेंड है कि कॉन्फिडेंशियलिटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. That whatever we have to do, we have to keep the data confidential. अब किसी से, अब जैसे कि हम generally जो clinical surveys होते हैं, health से related surveys हैं, अब किसी से HIV AIDS के बारे में अगर आप पूछें और आप उससे, आप ये expect कर रहे हैं कि I am honest, आपको भी honestly मुझे data देना है, information देनी है, लेकिन आप कॉन्फिडेंशियल, अरे फलाने से वो, मैं उससे बात की हूं तो HIV पॉजिटिव है, तो वो आपने, या आपने उसके इंटीमेट बिहेवियर के बारे में, जिसमें कि लोग ज्यादातर सही इंफॉर्मेशन नहीं देते, तो कॉन्फिडेंशियलिटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. कि जो भी डेटा हम कलेक्ट करें वो डेटा कॉन्फिडेंशियल होना बहुत जरूरी है. फिर है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबल दैट वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल, की वॉट एवर डेटा वी कलेक्ट कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ उस डेटा को सेफ रखें, उसी डेटा को एनालाइज करें. लोगों को हम जो जानकारी देनी है वो सही जानकारी उनको जरूर दें कि उनके क्या बेनिफिट होंगे, उनको नहीं होंगे, क्या रिस्क होगा, क्या नहीं होगा. ये सारी की सारी अगर जानकारी हम देते हैं तो देन वी आर रिस्पॉन्सिबल. नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, यानी ऐसा नहीं है कि मैं अपनी रिसर्च करूं और मैं दूसरे के उस जो जिस टारगेट ग्रुप पर कर रहा हूं, टॉर्चर कर रहा हूं उस पर, उसका ध्यान नहीं दे रहा हूं क्योंकि मेरा इंटरेस्ट उससे क्लैश हो रहा है.
सो मेरा इंटरेस्ट और टारगेट ग्रुप का इंटरेस्ट कहीं बहुत ज्यादा, कभी कभी तो होता है कि जब आप जैसे कोई ब्लड सैंपल लेते हैं तो आप कहेंगे जी उसको दर्द तो किया ही आपने ना, तो वो उसको हार्म तो किया ही, लेकिन उसमें इंटरेस्ट क्लैश नहीं हो रहा। हम जज कर रहे हैं कि हमारे कंट्री में किस तरीके का ब्लड सेफ ब्लड है कि नहीं। जैसे ब्लड डोनेट करते हैं तो टेस्ट करते हैं ना, टेस्ट करने के बाद उस जिस व्यक्ति में कोई इन्फेक्शन होता है उस व्यक्ति की काउंसलिंग करते हैं, और उस ब्लड को अगर वो सही ब्लड नहीं है तो उसको यूज भी नहीं करते हैं। तो वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि उसका इंटरेस्ट को आप हार्म करके अपना इंटरेस्ट पूरा कर रहे हैं तो उसमें भी वो दैट इज डज नॉट कम अंडर द पिलर ऑफ एथिक्स। सो है तो बहुत सारे भाई, ट्रू होना चाहिए, लेकिन ये चार ऐसे हैं। ऑनेस्ट है तो ट्रूथ भी होगा, कि उसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि हमें ऑनेस्ट होना चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए। इसलिए एथिक्स की जरूरत है, क्योंकि एथिक्स इज ए गोल ऑफ ह्यूमन रिसर्च इंक्लूड अंडरस्टैंडिंग रियल फिनोमेना। अगर हम थोड़ा सा एथिक्स के साथ लोगों को कन्विंस करके, काउंसलिंग करके बात करें, सो देन वी कैन गेट, यू कैन से रियल लाइफ इंफॉर्मेशन। आप देखते हैं जब आप रिसर्च करते हैं और आप अपने स्टूडेंट्स को भेजते हैं तो आप एक पैराग्राफ बाहर लिखते हैं कि भाई आप क्यों कर रहे हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इससे आपको क्या नुकसान या फायदा होगा, या अगर नुकसान या फायदा नहीं होगा लेकिन देश को होगा, या हम ये निकाल करके ला रहे हैं, तो उसमें आप उनको मोटिवेट भी करते हैं प्लस आप उनको बताते भी है, जिससे कि जो भी डेटा आप लें उससे हम उनकी जो भी स्टडी करें वो इफेक्टिव हो, इन्वेस्टिगेटिंग बिहेवियर अच्छा हो, और उससे लोगों की लाइफ वन वे और दी अदर वे इम्प्रूव हो जाए। तो ये इसलिए भी रिसर्च की जरूरत है। देन रिसर्च जनरली इसलिए कंसर्न है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ से भी रिलेटेड होती है, क्योंकि हम रिसर्च ऐसा तो नहीं ना, वो ठीक है हम पीएचडी करने के लिए रिसर्च करते हैं, पर कहीं ना कहीं आपका जब ऑब्जेक्टिव आता है तो आप देखेंगे आपके ऑब्जेक्टिव में लोगों की या स्टूडेंट्स की या इंस्टीट्यूशन की या सिस्टम की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए ही हम रिसर्च या इवैल्यूएशन करते हैं। और कभी कभी हम रिसर्च इसलिए भी करते हैं कि जिससे करते समय हमें एथिक्स की इसलिए भी जरूरत है जिससे लोगों पर नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े। यानी आप एथिक्स का ध्यान में रखेंगे कि भाई कॉन्फिडेंशियलिटी भी मेंटेन कर रहे हैं, आपका बिहेवियर भी रिस्पॉन्सिबल है, आप जो है आपका उनका इंटरेस्ट भी क्लैश नहीं कर रहा है, आप ऑनेस्ट भी हैं, तो इससे क्या है कि लोगों के मन पर नेगेटिव असर नहीं पड़ता। आपने जल्दी जल्दी में रिसर्च की, वो सोच रहा था इसने क्यों पूछा, क्या होगा, कहीं ये मेरी बात किसी को बता तो नहीं देगा। तो इसलिए भी जरूरी है कि भाई जब भी हम रिसर्च करें एथिक्स का यूज करेंगे तो लोग उसको नेगेटिव नहीं समझेंगे, अदरवाइज तो अगर हम नहीं फॉलो करेंगे तो वो तो अनएथिकल बिहेवियर तो होता ही है। इसलिए एथिकल कंसिडरेशन टू रिसर्च एंड हाउ यू कंडक्ट दैट रिसर्च इन्वॉल्व की एथिकल कंसिडरेशन। यानी आप क्या रिसर्च करते हैं और कैसे करते हैं, इन सब में एथिकल कंसिडरेशन की जरूरत है। एंड देर आर सेट प्रिंसिपल्स दैट गाइड द रिसर्च डिजाइन प्रैक्टिसेस इन ए होलिस्टिक मैनर। यानी बहुत सारी गाइडलाइंस बनाई हैं, इंटरनेशनल गाइडलाइंस भी बनी है, लेकिन नेशनल हमारे यहाँ गाइडलाइंस भी बनी हुई हैं, खासतौर से क्लिनिकल रिसर्च में भी है, सोशल साइंस रिसर्च में, एजुकेशन में भी है, इसलिए बहुत जरूरी है। और इस एथिकल कंसिडरेशन क्या है कि ह्यूमन राइट्स एंड डिग्निटी फर्स्ट। यानी सबसे पहले कोई भी रिसर्च करेंगे तो उस रिसर्च में आपको ये ध्यान करना पड़ेगा कि वो रिसर्च में ह्यूमन डिग्निटी मेंटेन्ड हो, ह्यूमन राइट्स भी मेंटेन्ड हो। ऐसा नहीं है कि हम रिसर्च सिर्फ कर ले और ना तो व्यक्ति की डिग्निटी को ध्यान में रखते हैं, उनको हार्म करते रहे। दूसरा ये है कि अगर हम सही तरीके से रिसर्च नहीं करेंगे तो हमारी क्रेडिबिलिटी भी नहीं रहती है, कोई कोट नहीं करेगा हमारी रिसर्च स्टडी को, और अगर डेटा गलत ढंग से हमने कलेक्ट किया है तो मॉरली भी क्वेश्चनेबल है कि आपने जो डेटा लिया वो डेटा सही नहीं है, आप किस मुंह से किस उससे कहते हैं कि मेरी रिसर्च में ये आया है।
आपने ये सब बातें की या नहीं की है, इसलिए भी वो कहते हैं कि वन ऑफ दी कंसिडरेशन इज कि क्रेडिबिलिटी अगर है डेटा कलेक्शन डेटा की तो हम रिसर्च को मान सकते हैं। फिर एक और है कि जो भी हम डेटा ले वो एक तरह से वॉलेंट्री होना चाहिए, जबरदस्ती नहीं। जबरदस्ती तो जो भी डेटा हम कलेक्ट करेंगे वो डेटा एक तरह से आप मानेंगे कि उसने सही दिया या नहीं दिया। फोर्सफुली जब डेटा लेते हैं ना तो कुछ चीजें सही मिलती हैं, कुछ चीजें हमें सही में नहीं मिलती हैं। तो वॉलेंट्री होना चाहिए, इन्फॉर्म्ड होना चाहिए और सेफ होना चाहिए। मतलब सेफ्टी उस व्यक्ति की, उस टारगेट ग्रुप की जहां से हम डेटा ले रहे हैं, सैंपल से जो डेटा ले रहे हैं उनकी सेफ्टी भी जरूर है। एंड प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द रिसर्च पार्टिसिपेंट्स जो दे रहे हैं इंफॉर्मेशन, ऐसा ना हो कि उनको किसी तरीके से आपने रिजल्ट बाहर लगा दिया और आपने कहा मैंने फलाने डिस्ट्रिक्ट से डाटा लिया और उस डिस्ट्रिक्ट के टीचर ऐसे हैं, तो उससे क्या है कि उन टीचर्स की मुसीबत हो जाती है। इसलिए उनके राइट्स को भी प्रोटेक्ट करना है। किसी टीचर का, किसी स्कूल का खास तौर से नाम नहीं लेना चाहिए। साइंटिफिक इंटीग्रिटी बहुत जरूरी है कि वी हैव टू हैव साइंटिफिक इंटीग्रिटी जरूर रखे कि डेटा कैसे कलेक्ट किया, सैंपल कैसे लिया। ऐसा ना हो कि हम ज्यादातर कन्वीनियंट सैंपल लेते हैं, पर्पसिव सैंपल उठा लेते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों से जब मैं बात करती हूँ, प्रेजेंट करते हैं तो कहते हैं जी कि ये मेरे घर के नजदीक था, ये मैडम हम वहां के ही हैं इसलिए हमने वहां का ले लिया। वॉट एवर यू डिड यू हैव टू जस्टिफाई कि आपने क्यों लिया। अगर आप इस तरीके से लेंगे तो आपके रिसर्च की कोई अहमियत ही नहीं है कि भाई वो रिसर्च सही भी है या नहीं है। इसलिए रिसर्च की वैलिडिटी को एनहांस करना भी बहुत जरूरी है। रिलायबिलिटी वैलिडिटी भी होनी चाहिए, नहीं तो फिर वो रिसर्च किसी भी काम की नहीं। बहुत सारी ऐसी रिसर्चेस है जिसमें कि उन रिसर्चेस में एथिकल कंसिडरेशन को बिल्कुल ताक पर रख दिया था। और हालांकि हमारे यहाँ की स्टडीज बहुत ज्यादा इस तरीके से हाईलाइट नहीं हुई है, लेकिन मैं ऐसे पढ़ रही थी तो उसमें था कि नाजी उस समय वर्ल्ड वार सेकेंड के समय नाजी फिजिशियन एंड साइंटिस्ट एंड रिसर्चर ने इन द नेम ऑफ साइंस कि हम कुछ डिस्कवर कर रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं, उसमें उन्होंने दे परफॉर्म पेनफुल एंड हॉरिफाइंग एक्सपेरिमेंट्स ऑन थाउजेंड्स ऑफ इम्प्रिजेंट पीपल इन कंसंट्रेशन कैंप फ्रॉम 1942 टू 45। और उन फिजिशियन ने मैं स्टडी में ये पाया कि भाई उन फिजिशियन ने दे एक्सपोज्ड दोज इम्प्रिजेंट पर्संस जो जेल में थे उनको फ्रीजिंग टेम्परेचर में रख करके लाइव वायरसेस उनमें इंजेक्ट किए, पॉइजन दिया, मलेरिया का इंसेक्ट इंजेक्ट किया, अनटेस्टेड ड्रग्स को उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। और वो एक तरह से बहुत इनह्यूमन ट्रॉमा, परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई लोगों की, डेथ्स हो गई इन मैनी केसेस। दे नेवर टेक कंसेंट ऑफ दोज प्रिजनर्स क्योंकि प्रिजनर्स थे। हालांकि आप रिसर्चर आप ले रहे हो, फिजिशियन ले रहे हो, साइंटिस्ट ले रहे हो, लेकिन क्योंकि उन्होंने ये सारी चीजें इसलिए कर दी कि उन्होंने कोई एथिकल कंसिडरेशन उन्होंने नहीं किया। और साथ साथ में उन्होंने जो वो लोग थे उनके उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन था। इसी तरह की ट्रस्की की सिफिलिस स्टडी थी और सबसे लंबी स्टडी चली है, 40 साल लॉन्ग स्टडी चली। उन्होंने 400 ब्लैक मेन पर ये स्टडी की और उसमें क्या था कि उन्होंने जो सिफिलिस के पेशेंट थे, जितने भी वो पेशेंट 400 उन्होंने पेशेंट लिए, उन 400 पेशेंट के जो फिजिशियन थे, जो डॉक्टर्स थे, उन सबको ये कहा हुआ था कि इनको किसी भी तरह की कोई मेडिसिन नहीं देनी है। और उनको ये समझाया, बहकाया कह सकते हो कि आपको अगर आपको कुछ हो जाता है, हम मतलब वाटर देते रहे जैसे पानी देते हैं ना, कि भाई आपको अगर कुछ हो गया तो आपको फ्री बरियल मतलब फैसिलिटी होगी। वो तो वैसे भी है कि अगर आप डॉक्टर्स के उसमें आदमी कोई चला जाता है तो वो तो गवर्नमेंट का भी था,
और उनको उस समय पेंसिलिन भी आ गया था, लेकिन उनको तब भी पेंसिलिन का कोई फायदा नहीं दिया गया। और कहते हैं कि वो 400 व्यक्तियों में से बहुत सारे व्यक्ति तो चले गए, बहुत लंबा उन्होंने दुख भी झेला। और इट वॉज ओनली वेन मीडिया केम इन टू मतलब हाईलाइटेड, तब जाकर के उन लोगों को छोड़ा गया। पर फिर भी ये मतलब 1932 से 1972 तक ये स्टडी चली, और उस स्टडी में के बारे में उन लोगों के बारे में कहते हैं कि 65 साल बाद प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने माफी मांगी उनकी फैमिली से कि भाई इस तरह की रिसर्च स्टडी अमेरिका में की गई है। तो यहाँ पर इन स्टडीज में मतलब वहां बहुत ज्यादा एथिक्स का तो कहीं भी ध्यान नहीं दिया गया। इसी तरीके से एक और स्टडी की गई, क्योंकि ये ज्यादातर स्टडी क्लिनिकल स्टडीज है, और क्लिनिकल स्टडीज में उन्होंने क्या किया कि कुछ जो अनसस्पेक्टिंग एल्डरली पेशेंट्स थे उनमें कैंसर सेल्स इंट्रोड्यूस कर दिया, और ये देखने के लिए कि भाई ये इसको किस तरीके से किस मेडिसिन से ट्रीट करें। पहले उनमें इंड्यूस किया एल्डरली कपल्स में, एल्डरली पीपल में, और फिर जाकर के उन्होंने उसका किया, वो भी फिर हाईलाइट होगी मीडिया में जाकर के। तो हुआ उन्होंने एक और भी किया कि उन्होंने मेंटल जो पेशेंट्स थे खास तौर से प्रिजनर एंड सोल्जर्स जो मेंटली इल पेशेंट्स थे उनमें उन्होंने विद द हेल्प ऑफ एक और जो स्टडी की विद द हेल्प ऑफ प्रोस्टिट्यूट्स सिफिलिस वायरस इंजेक्ट किया टू सी द इफेक्टिवनेस ऑफ पेंसिलिन। यानी कहीं कोई कंसेंट नहीं है, किसी तरीके की भी कोई कंसेंट नहीं ली गई, और किसी तरीके की कोई उन्होंने उनका वो वॉलंटरी भी नहीं था। जो मेंटल थे, जो प्रिजनर थे, जो सोल्जर्स थे उनके, उनको फोर्सफुली सिफिलिस से इंजेक्ट करवाया गया, इन्फेक्ट करवाया गया, और तब उन्होंने पेंसिलिन को देखने के लिए किया गया। एक और स्टडी है उसके बाद, उसमें क्या था कि स्टडी की गई थी जिसमें उन्होंने कहा कि बच्चों के ऊपर देखते हैं कि बच्चे डर से कितना इफेक्टिवली पढ़ते हैं। तो वो जो स्टालिन थे मिलीग्राम स्टडी 1963 में, उसने कहा कि जो बच्चा जितनी बार गलती करे, पहली बार गलती उसको इलेक्ट्रिक शॉक दे दो, जैसे जैसे वो गलती बार बार दोहराए उसका इलेक्ट्रिक शॉक को बढ़ाते चले जाओ, यानी लास्ट स्टेज तक बढ़ाते चले जाओ। हालांकि देखिए उस स्टडी में वो कौन सा इफेक्ट कहते हैं, आई फॉरगेट द नेम, कि जिसमें एक्चुअल में जैसे दवाई नहीं दे रहे हो लेकिन पानी पिला रहे हो आप, और पानी को कह रहे हो ये दवाई है, व्हाट इज दैट इफेक्ट कॉल्ड, सॉरी आई एम फॉरगेट, प्लेसिबो, उसमें प्लेसिबो, प्लेसिबो इफेक्ट, वेरी राइट, थैंक यू सो मच, प्लेसिबो इफेक्ट। तो उसमें बाद में बताया कि उसने कोई शॉक नहीं दिया, लेकिन जब बच्चों को हम दे रहे थे तो उसको ये बता रहे थे अब तेरा शॉक बढ़ने वाला है, अब तेरा ये जो ना इलेक्ट्रिक शॉक बढ़ने वाला है। तो उस स्टडी से क्या हुआ कि उस स्टडी में इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि रियलिटी में कोई शॉक नहीं था, बट द चिल्ड्रन वर अंडर मेंटल स्ट्रेस ऑल द टाइम, कि अगली गलती हो गई तो फिर आपका इलेक्ट्रिक शॉक बढ़ जाएगा। इसी तरीके से अमेरिका में एक जो स्टडी हुई उसमें क्या था कि वो ये चाह रहे थे CIA कि सोल्ज जैसे होता ना कि सीक्रेट एजेंसीज, कि आप वैसे तो कोई हमें बता के देगा नहीं, इंफॉर्मेशन निकालनी है तो बिना उनको बताए, जैसे जासूस करते हैं ना कि बिना बताए हाउ टू गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सोल्जर्स कि वो कहाँ आक्रमण करने वाले हैं, उनकी कंट्री की क्या पॉलिसी है, क्या वो सोच रहे हैं, तो दे वॉन्ट टू नो फ्रॉम द सोल्जर्स। सो बिना उन्हें बताए उन्होंने कुछ ड्रग्स इंड्यूस कर दिया, कुछ केमिकल उन्होंने दे दिया साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंज लाने के लिए, सो दैट दे कैन ड्रॉ, दे कैन लिसन, दे कैन गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम देम।
तो एलएसडी दे दिया, इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया, हाइपोनेटिक्स यूज किया, तो बहुत सारी ऐसी चीजें उन्होंने बिना उनके बताए, वॉलंटियरी वो इन्फॉर्मेशन नहीं थी, उन्होंने सोल्जर्स को यूज किया और उनसे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, और उससे बहुत सारा क्या हुआ कि बहुत लोगों का मेमोरी लॉस हो गया, बहुत सारे को एमनीशिया हो गया, फॉरगेटफुलनेस हो गया, क्योंकि आपने ड्रग्स भी यूज की, आपने इलेक्ट्रिक शॉक भी दिया, इलेक्ट्रिक शॉक भी इसलिए दिया कि हम आपको ना ठीक कर रहे हैं। उन्होंने टेस्ट किया, हालांकि टू बिगिन विद दे टेस्टेड ऑन देयर ओन सोल्जर्स, लेकिन वो भी अनएथिकल था। तो इसलिए बहुत सारी एथिकल ऐसी स्टडीज हुई है जिनको कि बाद में हाईलाइट किया गया, उनको बैन किया गया, और फिर एक इंटरनेशनल गाइडलाइंस एंड रेगुलेशन निकल करके आई जिसको कि न्यूरमबर्ग कोड ऑफ रिसर्च एथिक्स कहते हैं, और उसमें ये सारा कुछ लिखा गया, कोड ऑफ एथिक्स लिखे गए। 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में भी एथिक्स की बात की गई है, इसी तरीके से डिक्लेरेशन ऑफ हेल्थ की अडॉप्टेड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1964 में भी ये रिवाइज्ड हुआ है, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ मेडिकल एडिटर ने भी ये कहा गया है, और सोशल साइंस रिसर्च इंडिया में भी गाइडलाइंस बनाई गई हैं, तो और हर यूनिवर्सिटी की अपनी गाइडलाइंस होती हैं, तो उसके बेस पर एक ये रियलाइज हुआ कि हमें एथिक्स पर ध्यान देने की जरूरत है। सो जनरल प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स जो है कि राइट्स ऑफ ह्यूमन सब्जेक्ट भी फर्स्ट इन कंसिडरेशन, कि जब भी आप करें, जैसे ह्यूमन डिग्निटी फर्स्ट मैंने कहा, तो सबसे पहले आप उस ह्यूमन बीइंग में अगर स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि जब भी आप स्टडी करोगे तो यू हैव टू स्टडी फॉर ह्यूमन बीइंग, ऐसे तो किसी, या जो टेक्नोलॉजी में भी आप करोगे तो उसको टेस्ट करोगे कि उसका असर ह्यूमन बीइंग पर क्या होता है। सो ह्यूमन बीइंग का राइट जो है दैट शुड बी हैव फर्स्ट कंसिडरेशन। प्रमोट एंड एंश्योर रिस्पेक्ट टू डिग्निटी, मतलब कोई भी रिसर्च स्टडी करते हैं तो दैट वी हैव टू कीप इन माइंड दैट वी हैव टू रिस्पेक्ट द डिग्निटी ऑफ दैट पर्सन। Make sure that participation in studies is voluntary, informed and safe. That is also very important. We have to act in the best interest of human subject when selecting, interacting or reporting. यानी जब human being select करते हैं या उनसे interact करते हैं या उनको report करते हैं, तो हमें उनका interest को, best interest को ध्यान में रखना है। Best का मतलब ये है कि नेचुरली सब्जेक्ट तो हमें निकालना ही है, रिसर्च तो हमें करनी है, लेकिन टू द बेस्ट एक्सटेंट वी हैव नॉट टू हार्म देम, एंड सेफगार्ड उन रिसर्च पार्टिसिपेंट्स का भी बहुत जरूरी है, कि क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी चाहिए। अब कोई व्यक्ति किसी भी, मान लीजिए खास तौर से जो स्टिग्मेटाइज्ड चीजें हैं, जिसमें स्टिग्मा है, लोग जिसको सिन मानते हैं, उससे रिलेटेड अगर हम कोई बात किसी दूसरे को बताते हैं तो उसको हार्म ही है, कि अरे आप किसी को ये बता दो, आई स्टिल रिमेम्बर दैट आई वेंट टू अफ्रीका और मेरे साथ बहुत सारे लोग गए थे यहाँ इंडिया से, जो हमारे साथ ही फ्लाइट पर बैठे हुए थे, वहाँ खाना भी साथ खा रहे थे, तो तब तक हमें कुछ नहीं लगा, जब वहाँ कॉन्फ्रेंस में पता लगा उन्होंने जो एक HIV पॉजिटिव की ड्रेस पहनी, तो एकदम से धक्का लगा, अच्छा ये तो HIV पॉजिटिव है, अरे ये तो पता ही नहीं था। जब तक नहीं पता था तब तक एवरीथिंग वाज नॉर्मल, पता होने के बाद भी और ये जानकारी होते हुए भी, यानी ये मान के चलते कि जानकारी होते हुए भी एक बार व्यक्ति जरूर सोचता है कि अच्छा ये ऐसा व्यक्ति है, अच्छा इसको ये है, तो वो जो स्टिग्मा है या वो आपके कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन है, उसमें उनका ध्यान करना बहुत जरूरी है, कि वो उनकी कोई भी डिग्निटी या कोई भी उनकी बात जो है बाहर नहीं जानी चाहिए। इसलिए जब भी हम रिसर्च करें तो कंटिन्यूअसली वी हैव टू इवैल्यूएट, वी हैव टू गेट फीडबैक अबाउट देयर सेफ्टी, अबाउट द इफेक्टिवनेस, अबाउट द एफिशिएंसी, अबाउट द एसेसिबिलिटी, अबाउट देयर क्वालिटी, कि उसमें हमने जो रिसर्च की, विशेषकर जब मेडिकल रिसर्च करते हैं उसमें भी होता है, और इस तरीके की जो रिसर्चेस होती हैं जिसमें कि बहुत पर्सनल डाटा यूज होता है, उसमें ये बहुत जरूरी है कि हमें उन्हें कंटिन्यूअसली अपने जो टारगेट ग्रुप है, और ये उसमें ज्यादा होता है जिसमें आप इनडेप्थ स्टडी करते हैं,
क्योंकि अगर आप सर्वे करते हैं तो लार्जर सर्वे करते हैं, और उसमें आप कोशिश तो यही करते हैं कि उनको किसी तरीके का हार्म ना हो, वो हमें लार्ज सैंपल दे दे, हमें इंफॉर्मेशन दे दे, लेकिन उसमें सैंपल आपका बहुत लार्ज होता है तो कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच करने से भी कोई ज्यादा नुकसान नहीं होता, क्योंकि जैसे सेंसिस का डाटा है, अब सेंसिस के डाटा में कौन देखने जाएगा कि किसके कितने बच्चे हैं, किसके कितने क्या फैमिली मेंबर्स हैं, क्योंकि डाटा इज वेरी ह्यूज। लेकिन कोई आप इन डेप्थ स्टडी करते हैं, क्लिनिकल सर्वे स्टडी करते हैं, तो उसमें हमें खास तौर से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो दैट इज ऑन ए स्मॉलर सैंपल। सो नो एक्सप्लॉयटेशन इन द नेम ऑफ जनरेशन ऑफ न्यू नॉलेज। ये भी जरूरी है कि हम ये ना कहें जी हम तो जी देश के लिए नई नॉलेज क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए हम आपकी एक्सप्लॉयटेशन, आपको थोड़ा कष्ट होगा, आपकी बात बाहर जाएगी। सो नो एथिकल कंसिडरेशन सेज, एथिक्स सेज नो एक्सप्लॉयटेशन इन द नेम ऑफ न्यू नॉलेज, की नई नॉलेज के आधार पर आप ये नहीं कह सकते। मस्ट कंसिडर द एथिकल लीगल रेगुलेटरी नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड फॉर रिसर्च इन्वॉल्विंग ह्यूमन राइट्स, कि जहां भी ह्यूमन सब्जेक्ट्स की बात आती है, ह्यूमन बीइंग की बात आती है, तो हमें लीगल और रेगुलेटरी नॉर्म्स के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप लीगल नॉर्म्स के बारे में नहीं कंसिडरेट कर रहे हैं और रेगुलेटरी नॉर्म्स क्या है, तो हम भी फंस सकते हैं एज ए रिसर्चर। तो हमें अपने आप को भी सेफ करना है, और हमें जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, जो हमारे सैंपल में आते हैं, उनको भी, उनकी सेफ्टी भी जरूर रखनी है। मिनिमाइज पॉसिबल हार्म टू एनवायरनमेंट, इसे जब आप रिसर्च कोई फिल्म भी देखते हैं तो कहते हैं ना कि हमने किसी भी जीव को, किसी भी एनिमल को कोई कष्ट नहीं पहुंचाया है, मतलब वहां पर वो एक तरह से सर्टिफिकेट देते हैं। इसी तरीके से यहाँ भी है कि मिनिमम पॉसिबल हार्म। अब आप जैसे मैंने कहा कि जब आप ब्लड सैंपल लेंगे तो आप हार्म तो कर ही रहे हैं, उसकी बाजू में से ब्लड ले रहे हैं, लेकिन वो उससे कम हो ही नहीं सकता, क्योंकि इंजेक्ट उससे थ्रू ब्लड तो लेना ही लेना है, तो उतना तो होगा ही। लेकिन आपने उस हार्म, उसमें नीडल लेते समय बहुत मोटी नीडल नहीं ली, जरूरत है तो लेनी पड़ेगी, जरूरत नहीं है तो आपने नहीं ली। तो ये भी है कि एक मिनिमम पॉसिबल हार्म होना चाहिए। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ रिसर्चर एंड पार्टिसिपेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर एंड सोशल ग्रुप्स, यानी जब लेते समय कि हालांकि हम डिस्क्राइब करते हैं कि भाई ये इस कम्युनिटी से, इस एरिया के लोग इस तरीके से अवेयर हैं, वो लोग ज्यादा अवेयर हैं, क्योंकि एजुकेशनल बैकग्राउंड भी लेते हैं आप, जेंडर भी लेते हैं, पर डिस्क्रिमिनेशन किसी तरीके का जब आप टेस्ट कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो आप सभी से इक्वली इंफॉर्मेशन लेते हैं। उसमें ये तो नहीं कहते तुम लड़की हो तो ये बताओ, तुम लड़के हो तो ये बताओ, उस तरीके की कोई इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। नो माइनर यानी बिलो 18 इयर्स कोई भी मेंबर आपके रिसर्च टीम में नहीं होना चाहिए, और रिसर्च इन्वॉल्विंग ह्यूमन सब्जेक्ट मस्ट बी कंडक्टेड आफ्टर एप्रोप्रिएट एथिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, यानी जहां ह्यूमन सब्जेक्ट डायरेक्टली उसका कोई इन्वॉल्वमेंट है, यानी जैसे मैंने कहा ना कि जैसे HIV से रिलेटेड व्यक्तियों की एटीट्यूड स्टडी करना चाहते हैं, उनकी अवेयरनेस स्टडी करना चाहते हैं, या फिजिकल डिसेबिलिटी वालों की कोई हम स्टडी करना चाहते हैं, या कोई ब्लड से रिलेटेड कोई इश्यूज है, या इंटीमेट बिहेवियर से रिलेटेड कोई इश्यूज है, तो उस ऐसे केसेस में सबसे पहले जरूरी है कि एप्रोप्रिएट एथिकल ट्रेनिंग उस व्यक्ति, उस रिसर्चर की भी होनी चाहिए, उसको फुली एजुकेटेड होना चाहिए कि भाई मैं इनसे जब कलेक्ट करूंगा इंफॉर्मेशन तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे काउंसलिंग करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो घबरा जाए या उनको डर लगे कि भाई हमारी इंफॉर्मेशन वो आगे कर देगा, तो वो कभी भी सही राइट डाटा नहीं देंगे। तो ये एक कुछ जनरल इश्यूज है। एथिकल गाइडलाइंस इंडिया में भी बनी है, और वो सोशल साइंस रिसर्च इन हेल्थ वाज फ्रेम्ड बाय नेशनल कमेटी फॉर एथिक्स इन सोशल साइंस रिसर्च इन हेल्थ बनी है, और हमारी हर इंस्टीट्यूशंस में, यूनिवर्सिटी जो हमारी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, इनमें एथिकल बोर्ड, इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड होता है जो कि एथिक्स को ध्यान में रखता है। ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड कमेटीज होती हैं जिसमें स्टूडेंट्स जो भी रिसर्च करते हैं, रिसर्चर प्रेजेंट करते हैं,
उनके बारे में ध्यान देते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या है कि हमारी रिसर्च या तो वर्बल हम कंसेंट लेते हैं या हम सोचते हैं कि हमने दे दिया, रिसर्च कंडक्ट हो गई, क्वेश्चनर दे दिया तो हो गया। सो ये एक हमारे, हालांकि कोशिश अभी की जा रही है, अब जैसे जैसे एनआरएफ में बहुत सारा पैसा आ गया है, 50,000 करोड़ जो कह रहे हैं, और हर डिपार्टमेंट हर यूनिवर्सिटीज को पैसा दिया जाएगा, क्योंकि अगर फुली इम्प्लीमेंट हुई पॉलिसी तो दो तरह की यूनिवर्सिटीज होंगी, तो जो रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटीज है उनमें तो पैसा फंड्स बहुत अवेलेबल होंगे। वैसे भी अगर आप देखें तो सारे इंस्टीट्यूशंस में रिसर्च की सुविधाएं हैं, जैसे मैं एनसीईआरटी से थी तो एनसीईआरटी में एक एरिक कमेटी है, एजुकेशनल रिसर्च इनोवेशन कमेटी, और वो फंड्स देते हैं, पीएचडी के लिए भी फंड देते हैं, जो स्टूडेंट्स पीएचडी करते हैं उनको भी फंड देते हैं, जिन्होंने पीएचडी कर ली है उनके लिए भी कुछ स्कॉलर्स कुछ दिन के लिए जब तक कि वो कहीं नहीं लगते उनके लिए भी है, हालांकि लिमिटेड है। इसी तरीके से यूनिवर्सिटी यूजीसी में भी है कि फंड देते हैं, आईसीएसआर भी देता है, आईसीएमआर देता है, बहुत सारी फंडिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेकिन उनमें भी एथिक्स का यूज नॉर्म्स होते हैं। तो क्या इश्यूज है एथिक्स के? पहला इशू है कि गेटिंग एथिकल अप्रूवल फॉर योर स्टडी, यानी एथिक कंसिडरेशन में कि सबसे पहले तो आपको एथिक की जो अप्रूविंग बॉडी है, जैसे हमारे यहाँ एरिक है तो एरिक की कमेटी है, उस कमेटी के सामने प्रपोजल पहले भेजे जाते हैं, उन प्रपोजल को वो कमेटी रिव्यू करती है, फिर उन व्यक्तियों को जिन्होंने वो प्रपोजल भेजे हैं उनको बुला करके प्रेजेंटेशन होता है, डिस्कशन होता है, और उसके बाद सुझाव है तो सुझाव दिए जाते हैं, और अगर सेलेक्ट नहीं करते हैं तो उनको बाद में कम्युनिकेट कर देते हैं कि योर रिसर्च प्रपोजल वॉज नॉट विद इन अवर परव्यू, उसमें उसको और इम्प्रूव करिए, आप जो भी है सुझाव देते हैं। तो एथिकल अप्रूवल लेना उस कमेटी से इज वन थिंग। वॉलेंटरी पार्टिसिपेशन की मैंने जैसे बताया कि जब भी कोई टारगेट ग्रुप ले, सैंपल ले, उसका पार्टिसिपेशन वॉलेंटरी होना चाहिए, इन्फॉर्म्ड कंसेंट होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें डिटेल में थोड़ा सा आपसे डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप कह रहे हैं कि कमेटी से तो अप्रूवल हो गया, और वो कमेटी का ये ड्यूटी है कि आपका रिसर्च को टाइम टू टाइम मॉनिटर भी करे। ऐसा नहीं है कि एक बार अप्रूवल कर दिया तो, जैसे हमारे यहाँ है कि आपने जब प्रोजेक्ट शुरू किया, आपने सैंपलिंग की तो रिसर्च डिजाइन आपका अप्रूव हो गया, अब आपने सैंपलिंग के बाद क्वेश्चनेयर बनाया, टूल्स बनाया, तो यू हैव टू शेयर विद द कमेटी कि वो टूल्स सही हैं, आपने सैंपल कैसे सेलेक्ट किया, फिर डेटा आप कैसे कलेक्ट करने जाएंगे तो वो आपको शेयर करना पड़ेगा, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आपको शेयर करनी पड़ेगी, आपको अपनी अचीवमेंट टाइम टू टाइम देनी पड़ेगी। तो कमेटी का भी एक एथिक्स है कि वो जो भी रिसर्चर है उसकी चीजों को उसकी को टाइम टू टाइम रिव्यू करें। वॉलेंटरी पार्टिसिपेशन में यह है कि जो भी आप रिसर्च सब्जेक्ट्स ले रहे हैं, ह्यूमन बीइंग ले रहे हैं, टारगेट ग्रुप ले रहे हैं, दे आर फ्री टू चूज कि वो आपके रिसर्च का पार्ट बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते हैं। वहां पर किसी भी तरह का कोई कोवर्शन, कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए कि भाई नहीं नहीं आपको तो मेरे साथ करना ही करना है, आपको तो देना ही देना है मेरा इंफॉर्मेशन। जबरदस्ती करेंगे तो वो हाफ हार्टेडली आपको इंफॉर्मेशन दे देंगे, या जैसे आप कोई आप प्रोफेसर हैं, आपके अंडर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आपने वो स्टडी उसी अपने इंस्टीट्यूट में किया, आपने कहा कि यू आर वर्किंग अंडर मी, सबको डर लगता है कि प्रोफेसर की स्टडी को अगर हम नहीं देंगे तो ये हमारे मार्क्स भी कम हो सकते हैं, कुछ हो सकता है, तो इस तरीके का कोई प्रेशर कोई कोवर्शन नहीं होता का होना चाहिए। इसलिए जनरली देखते हैं कि रिसर्चर जब स्टडी करता है तो वो बहुत ज्यादा क्लोज उसमें नहीं करता है, क्योंकि वहां पर कोई भी तरह का प्रेशर हो सकता है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा टीचर भी है, ये मेरा इसमें अच्छा है, मैं इंफॉर्मेशन दे दूं पॉजिटिव हो जाएगा, तो वो फिर सारी की सारी इंफॉर्मेशन देने के लिए तैयार हो जाते हैं, हालांकि उनका मन नहीं करता है। दूसरा ये है कि उस रिसर्च स्टडी में पार्टिसिपेंट्स यानी जो सैंपल के व्यक्ति हैं वो कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं,
उनको कोई ये नहीं है कि मैं विड्रॉ कर लिया, नो नो दिस इज माय ऑब्लिगेशन, आई कैन नॉट लीव दिस स्टडी, इट इज माय ड्यूटी टू डू इट. वो सोचता है तो वो दे सकते हैं, वो नहीं सोचते तो वो विड्रॉ भी कर सकते हैं. लगता है कि अब ये मेरे से गलत गलत सवाल पूछ रहे हैं, आई डोंट वांट टू बिकम ए पार्ट ऑफ दिस स्टडी, तो वो विड्रॉ कर सकते हैं. और उसके लिए उन्हें कोई रीजन बताने की भी जरूरत नहीं कि यू आर नॉट सपोज टू आस्क देम व्हाई दे आर दे वांट टू विड्रॉ, क्यों विड्रॉ करना चाहते हैं, क्या कारण है. नहीं, वो विड्रॉ कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. और उनको ये भी हमें एक एश्योर करना है कि इवन इफ यू वांट टू विड्रॉ, देर विल बी नो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, देर विल बी नो रिपरकशंस, देर विल बी नो रिफ्यूजल कि भाई आपने विड्रॉ कर लिया है, आपको रिफ्यूज किया जाएगा, वो हट मुझे छोड़ेंगे नहीं. तो हमें उनके डिसीजन को रिस्पेक्ट करना भी बहुत जरूरी है. किसी तरीके का भी कोई प्रेशर या उनको ये सोच के कि दे आर वल्नरेबल सो वी कैन प्रेशराइज देम, वो नहीं होना चाहिए. और एथिकल कंसिडरेशन में तो ये भी है कि दे आर प्रोटेक्टेड, क्योंकि एक कोड ऑफ कंडक्ट में ये आता है कि अगर वो विड्रॉ करना चाहते हैं और कोई उनको रिस्क भी है तो दैट प्रोटेक्शन विल आल्सो बी गिवन टू देम. यानी खास तौर से जो बहुत स्टडीज होती हैं जिसमें कि कभी कभी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत बार कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी हो जाता है, लेकिन दैट आल्सो डिपेंड्स ऑन द स्टडी, और उसके लिए बताना भी जरूरी नहीं होता है. दूसरा है इनफॉर्म्ड कंसेंट एंड इम्प्लाइड कंसेंट. मतलब कंसेंट लेना भी जरूरी है, वॉलंटरी हो गया ना, लेकिन वॉलंटरी के बाद भी आपने रिटर्न कंसेंट ली, इन्फॉर्म किया उसको, उस इंफॉर्मेशन में आपने उसको दिया कि भाई मैं जो कंसेंट ले रहा हूँ, इस कंसेंट में मैं आपको इसके बेनिफिट्स क्या होंगे, इसके रिस्क क्या होंगे, मैं फंडिंग कहाँ से ले रहा हूँ, कौन से इंस्टीट्यूशन से ये एफिलिएटेड है. क्योंकि अगर रूरल एरिया में स्टडी कर रहे होते हैं, बहुत सारी बातें उनको पता ही नहीं होती कि आपको कहाँ मिल रहा है, फंड मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, आपके पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो सकते हैं, या आपको कोई इंसेंटिव है इसमें तो वो उसके बारे में बात करना, कंपनसेशन, कोई हार्म हो जाता है तो कंपनसेशन भी है कि नहीं है, मेरा सुपरवाइजर क्या है, मेरा फोन नंबर क्या है ना. तो वो लिखते हैं, अगर पढ़े लिखे हैं तो कंसेंट टेक्स्ट में भी ले सकते हैं, क्योंकि बाद में बहुत बार अगर स्टडी कोई ऐसी है जिसको कि आप इंटरनेशनल लेवल पर छपवा रहे हैं और कोई वहां से कुछ कह सकता है, तो आपके पास रिटर्न कंसेंट है तो यू कैन लीगली फाइट ऑल्सो. लेकिन रूरल एरिया के लोग हैं तो उनको वर्बली बता करके भी आप उनसे कंसेंट ले सकते हैं. तो कंसेंट, इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना बहुत जरूरी है कि भाई आप, मैं ये स्टडी कर रहा हूँ और ये स्टडी में इस तरीके की कंसेंट है. अनइन्फॉर्म्ड मतलब इम्प्लाइड कंसेंट वो होती है कि आपने इस तरीके से कोई रिटर्न टेक्स्ट तो नहीं दिया कि भाई मेरा ये नाम है, मैं ये, मेरा ये सुपरवाइजर है, ये मेरा टेलीफोन नंबर है, यहाँ से मुझे फंडिंग मिल रही है, ये सब मुझे मैंने इन्फॉर्म्ड, मैंने टेक्स्ट नहीं भरवाया, लेकिन मैंने जब क्वेश्चनर उनको दिया तो उन्होंने क्वेश्चनर मुझे भर के दे दिया, इसका मतलब है कि वो मुझे कंसेंट दे रहे हैं, नहीं तो वो नहीं भरते. अगर वो कंसेंट नहीं देते तो वो क्वेश्चनर को ही नहीं भरते. तो क्योंकि उन्होंने, मैंने जो लिखा था कि, और जब बताया उनको कि पर्पस ऑफ दिस स्टडी ये है और अब मैं आपको क्वेश्चनर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, तो अगर आप एग्री करते हैं तो मुझे इसमें अपनी इंफॉर्मेशन दे दीजिए, इट मीन्स कि कंसेंट इम्प्लाइड है कि ऑलरेडी उन्होंने मुझे भर के दे दिया, इसलिए मुझे देना है. तो इन्फॉर्म्ड कंसेंट में तो बहुत कुछ होता है, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन जैसे मैंने कहा, ये सब भी लिखना होता है, और नो बेनिफिट नो लॉस ये भी उसमें है कि आपको कोई बेनिफिट होगा या कोई लॉस नहीं होगा, और उसमें चेयरपर्सन कौन होगा, किसी केस में अगर आपको जरूरत है तो मेरा सुपरवाइजर कौन होगा, उसका टेलीफोन नंबर क्या है, वो भी आप उसमें लिख सकते हैं. तो ये सारी चीजें, और खास तौर से जब वो कहते हैं ना सेंसिटिव इश्यूज पर होता है, तो सैंपल आप उनको ये भी अश्योर करना पड़ेगा कि आपका जो सैंपल है, जो डेटा है, वो बाकायदा स्टोरेज, प्रॉपर जगह पर उसका स्टोरेज होगा. उसका ऐसा नहीं है
कि कुछ कहीं स्टोरेज नहीं है, और अगर आपका जैसे ब्लड सैंपल लेते हैं या एचआईवी लोगों का टेस्ट करते हैं या रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में कोई चीज लेते हैं या रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेते हैं या उनकी जो रिलेशनशिप मुद्दे हैं उस पर इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो उस डाटा को वो सिक्योर रखते हैं, उस डाटा को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, क्योंकि कल को वो कह सकता है कि आपने कहा कि मुझे याद है कि वन ऑफ माय कोलीग मतलब एक मैंने डाटा कलेक्ट किया और उसने कहा कि हमारे इंडिया में इतने बच्चे इस बारे में रिलेशनशिप में रहते हैं, तो मुझे लगा कि ये डाटा सही नहीं है, क्योंकि रूरल एरिया के बच्चे हो सकता है हो रिलेशनशिप, लेकिन इतने ज्यादा बच्चों का रिलेशनशिप होगा क्योंकि हमारे यहाँ स्पेस ही नहीं है, रूरल एरिया में तो एक दूसरे को जानते भी हो, स्पेस नहीं है, एक दूसरे पर ध्यान भी रखते हैं, तो कुछ हो सकते हैं, बट दैट मेजोरिटी कैन नॉट बी देयर। तो इसलिए है कि अगर डाटा को प्रोक्योर करके रखते हैं तो आप कभी भी अपने डाटा के बारे में जस्टिफाई कर सकते हैं। कंसेंट वेव हो सकती है बोथ इन्फॉर्म्ड भी और इम्प्लाइड भी, तब कब हो सकती है कि जब आपकी स्टडी मतलब प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी की जरूरत है और किसी भी तरीके का किसी पार्टिसिपेंट्स का कोई राइट वॉयलेट नहीं होता, क्योंकि कई बार क्या है कि कुछ ऐप जैसे आप इंस्टीट्यूट से स्टडी देखना चाहते हैं कि हाउ टू फाइंड आउट द क्वालिटीज ऑफ ए बेस्ट टीचर, है ना, और क्लासरूम ट्रांजैक्शन का इफेक्टिवनेस देखना चाहते हैं। अब पहले से ही अगर टीचर्स को कंसेंट ले लेंगे कि हम आपकी हम देखना चाहते हैं कि क्लासरूम ट्रांजैक्शन में एज पर एनईपी हैव यू चेंज्ड योर स्ट्रेटजीज और नॉट, क्योंकि एनईपी आप किसी स्कूल की स्टडी कर रहे हैं और एनईपी कह रही है कि देर शुड बी फोर टाइप ऑफ पेडागोजी शुड बी यूज्ड एटलीस्ट एट द लोअर लेवल, फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड पेडागोजी, आर्ट इंटीग्रेटेड पेडागोजी और स्टोरी टेलिंग मेथड एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग। सो क्या ट्रेनिंग भी हो गई आपकी, आर यू यूजिंग दिस पेडागोजी, सो वी वॉन्ट टू सी योर क्लासरूम ट्रांजेक्शन। तो जब आप ये कह करके जाएंगे क्लास में और आप जाएंगे तो वो बिल्कुल बाकायदा पूरा तैयारी करके आएगा क्लासरूम में और आपको दिखा देगा कि भाई मैंने आई यूज्ड ऑल द पेडागोजीज, लेकिन उससे तो आपकी पर्पस तो सॉल्व नहीं हुआ ना। यू वांट टू टेस्ट कि ओवरऑल इन जनरल आर पीपल यूजिंग दीज पेडागोजीज और नॉट, क्योंकि उसके बेस पे तो आप जनरलाइज नहीं कर सकते कि या मोस्ट ऑफ द पीपल मोस्ट ऑफ द टीचर्स आर यूजिंग दीज इंटरक्टिव पेडागोजीज फॉर टीचिंग डिफरेंट सब्जेक्ट एरियाज। उसके लिए आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो कंसेंट है, जो पार्टिसिपेशन का कंसेंट है कि भाई मैं आपकी क्लास में आ रहा हूँ, उसको रोकना पड़ेगा, क्योंकि तभी आपको रियल इशू मिलेगा। या आप कहीं जैसे देखना चाहते हैं कि भाई जो मेडिकल फैसिलिटीज है, सर्विसेज है, जो नर्सिस हैं, वो किस तरीके से पेशेंट को ट्रीट करती है, अगर आप उनको बता के जाएंगे तो डेफिनेटली वो तो कहेंगे वो तो बेस्ट सर्विस देंगे, लेकिन आप बिना बता करके जाएंगे और फिर आप ऑब्जर्व करेंगे तो देयर यू कैन गेट द रियल पिक्चर। तो कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जिसमें कि कंसेंट को वेव कर सकते हैं। एक तो वही है कि भाई इस तरह रिसर्च स्टडी का ऑब्जेक्टिव क्या है और उसमें पार्टिसिपेंट्स के राइट्स का कोई वॉयलेशन नहीं हो रहा है, या फिर यह है कि उसमें बहुत मिनिमम रिस्क है, यानी कंसेंट लें या ना लें उसमें कोई रिस्क जो है नहीं है किसी भी तरीके का, वी आर नॉट हार्मिंग दी पार्टिसिपेंट्स, तो उसमें भी है। तीसरा है कि जहां कहीं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है, अब जैसे जो स्टिग्मा वाले चीजें हैं उनमें क्या है कि अगर आप कह दें कि मैं आपके पास स्टडी करने आया हूं अबाउट दिस, तो वो व्यक्ति कभी अपना बिहेवियर नहीं बताएगा, मुझे एचआईवी कैसे हुआ वो कहेगा ब्लड टेस्ट से हुआ, लेकिन अगर आप इनफॉर्मली बिना बताए उसको सिर्फ काउंसलिंग करते जाएंगे, उससे बातचीत करेंगे, तो
तो कहीं ना कहीं निकल के आएगा कि एक्चुअल में ये भी एक कारण हो सकता है, मैं यहाँ भी गया था या ये भी मेरे मेरा बिहेवियर रहा है। तो ऐसी स्थिति में भी कि क्योंकि आपकी स्टडी का ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप ये जानना चाहते हैं कि हमारे देश में HIV का स्प्रेड कैसे है और उस पर आपको काम करना है, तो उसके लिए अगर कंसेंट लेंगे तो हमें रियल डाटा नहीं मिलेगा। तो ऐसे केस में भी जो एथिक्स है वो हमें कहते हैं कि आप कंसेंट को वेव ऑफ कर सकते हैं। कंसेंट तब भी वेव ऑफ हो सकती है अगर पब्लिकली ऑलरेडी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इन टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स, परफॉर्मेंसेस, रिव्यूज, स्टडीज, आर्काइव मटेरियल्स, यानी ऑलरेडी है, जैसे पुराने सेंसिस के डाटा है, आपका हमारा नेशनल अचीवमेंट सर्वे है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने ऑलरेडी कोई स्टडीज कर रखी है, आप उन सारी स्टडीज को कोलेक्ट करके और आप अपना रिजल्ट अपनी स्टडी करना चाहते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ द ऑलरेडी अवेलेबल रिसर्च की भाई उनका ट्रेंड क्या है इस सब्जेक्ट में। तो ऐसे केस में हमें, क्योंकि ऑलरेडी थर्ड पार्टी डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है, तो उसमें हमें कोई कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम किसी भी प्राइवेट से तो हम ले नहीं रहे, पब्लिक डोमेन में जो ऑलरेडी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, उन्हीं से हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। तो वो भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि वेव ऑफ हो सकता है। कुछ ऐसे सैंपल है जैसे आपने ब्लड सैंपल किसी स्टडी ने लिया, उन्होंने वॉलंटरी था, उनका कंसेंट के साथ था और वो सैंपल अभी भी अवेलेबल है, और वो कहते हैं कि कुछ लेफ्ट ओवर सैंपल जैसे लोगों पर जो पोस्टमार्टम करते हैं तो उसमें कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में, मतलब उनके पास है, ऑलरेडी उन्होंने किया हुआ है, तो उन को वायरल को देखने के लिए, उनके DNA RNA को टेस्ट करने के लिए वो उसमें किसी तरीके की कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कंसेंट जो है ना वेव ऑफ हो जाती है, अदरवाइज तो ये है कि चाहे वॉलंटरी ले, पार्टिसिपेशन हो उसमें, इम्प्लाइड हो कंसेंट, या आप जो है एक तरह से रिटर्न कंसेंट ले, वो एक कोड ऑफ कंडक्ट में आता है। फिर कोड ऑफ कंडक्ट में ये भी आता है कि पोटेंशियली कोई हार्म नहीं होना चाहिए, ना कोई साइकोलॉजिकल हार्म हो, जब व्हेन यू कलेक्ट द डेटा यू शुड सी दैट देयर शुड बी नो स्ट्रेस ऑन द इंडिविजुअल, किसी भी तरीके का उन पर कोई नेगेटिव इमोशंस पर कोई शेम, कोई एंग्जाइटी हो, आपने ऐसा करते तो ही विल फील लिटिल शेम, या आई एम गोइंग टू कलेक्ट दिस डेटा अबाउट योर रिलेशनशिप, तो एंग्जाइटी भी होती है, फिजिकल स्ट्रेस भी होता है, बच्चों से जैसे पूछते हैं, तो जैसे मैंने कहा कि उस मिलीग्राम ने जो स्टडी की थी, ही हैज नॉट यूज्ड एनी इलेक्ट्रिक शॉक, बट उसने शॉक को एक दिखाया था कि भाई हाँ इसमें शॉक लगेगा आपको, तो वो एक मेंटल स्ट्रेस था, तो फिजिकल साइकोलॉजिकल हार्म भी नहीं होना चाहिए, सोशल हार्म भी नहीं होना चाहिए सोसाइटी में, क्योंकि अगर डेटा को आपने कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं रखी तो उसका एम्बेरसमेंट हो सकता है, लोग स्टिग्मा कर सकते हैं। HIV एड के केस में तो लोगों ने बातचीत करनी बंद कर दी थी, गांव में उनको आउट कर दिया था बाहर, तो वो इस तरीके का स्टिग्मा नहीं होना चाहिए। फिजिकल हार्म तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि कोई भी पेन हो, इंजरी हो, किसी भी तरीके का स्टडी के दौरान नहीं होना चाहिए। लीगल हार्म भी नहीं होना चाहिए कि रिपोर्टिंग सेंसिटिव डाटा कुड लीड टू लीगल रिस्क ऑल्सो, कि आपने डाटा को अगर सही नहीं रखा तो अब प्रॉपर्टी के बारे में कोई आप स्टडी कर रहे हैं कि हाउ द पीपल आर ओनिंग द प्रॉपर्टी और उसमें उनका डाटा लीक कर दिया, तो देन देयर विल बी लीगल हार्म आल्सो, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट देयर शुड बी नो हार्म टू द पीपल। पोटेंशियल हार्म भी नहीं होना चाहिए, मतलब फ्यूचर में भी किसी तरीके का कोई रिस्क नहीं होना चाहिए कि आज तो नहीं है लेकिन फ्यूचर में हो सकता है, तो वो पोटेंशियल हार्म भी नहीं होनी चाहिए और इसलिए उनकी काउंसलिंग करना बहुत जरूरी है। एनोनिमिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप इंफॉर्मेशन लेते हैं तो उस इंफॉर्मेशन में जनरली हम नाम वाम पूछते हैं, तो नाम नहीं पूछना चाहिए उनका, फॉर एग्जांपल फोन नंबर नहीं लेना चाहिए, नाम नहीं पूछना चाहिए, ईमेल एड्रेस नहीं होना चाहिए, IP एड्रेस नहीं होना चाहिए, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की उनका रंग सांवला है, जब तक कि उस स्टडी की रिक्वायरमेंट नहीं हो या उसमें कंसेंट
नहीं ले गई हो, फोटोज हैं, वीडियोज हैं, वो ऐसी कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए जिससे उनको आइडेंटिफाई कर सके। हालांकि जब हम डाटा ईमेल से कलेक्ट करते हैं या बाय फोन कलेक्ट करते हैं तो उसमें ये इंफॉर्मेशन मिल जाती है, लेकिन उसको ये जरूरी है कि हम उस व्यक्ति की एनोनिमिटी को मेंटेन करके रखें। मतलब कहीं भी जब रिसर्च में यूज करें तो नाम से, फोन नंबर से, फोटो से, उसके वीडियो से, क्योंकि कई बार हम वीडियो रिकॉर्डिंग भी करते हैं तो उस वीडियो रिकॉर्डिंग कहीं भी जाहिर नहीं होनी चाहिए। सो एनोनिमिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी हमें लगता है कि हमें ये देखना है कि ए का इस समय क्या बिहेवियर था, उस ए का आफ्टर द ट्रेनिंग या आफ्टर द यू कैन से एक्सपेरिमेंट क्या बिहेवियर रहा है या होगा, देन वी हैव टू कीप समथिंग। तो वो कहते हैं कि वो इस तरीके से सुडोमाइजेशन कि आप नंबर दे दें ए फलाना ये के बजाय 1 2 3 और उसको उसी से 1 2 3 में ही हम देख लें तो वो जरूरी है। सो एनोनिमिटी इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन व्हाइल कंडक्टिंग रिसर्च। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एथिकल कंसिडरेशन। कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत जरूरी है, बिगिनिंग में ही बात ही कि हमें इसलिए ऑल इंफॉर्मेशन रिमूव करना चाहिए, यानी हम नाम भी नहीं रखते हैं, जेंडर सिर्फ रखते हैं, है ना, और मान लीजिए उसमें आप तीसरा ट्रांसजेंडर भी ले रहे हैं तो वो कोशिश अगर हमारा जब तक ही हमारा पर्पज नहीं है तब तक हम उसको नहीं लेते हैं। सो कॉन्फिडेंशियलिटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और कॉन्फिडेंशियलिटी कई बार क्या है कि फोकस ग्रुप डिस्कशन में थोड़ी हट जाती है कि जो आपने फोकस ग्रुप डिस्कशन किया तो उसमें तो क्योंकि साफ साथ ही तो बच्चे हैं और साफ बोल भी रहे हैं वो, तो उस समय कभी कभी कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं मेंटेन होती है, तो ये भी एक डाटा है। और कभी कभी कंप्लीट गारंटी देना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि मैंने तो डाटा कॉन्फिडेंशियल रखा लेकिन मैंने जहाँ एनालिसिस किया, एनालिसिस करवाया, उस व्यक्ति ने कहीं किसी को बता दिया अच्छा वो मेरा फ्रेंड था और मैंने देखा उसने तो ये इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो फिर तो लेकिन कोशिश होनी चाहिए कि हम जिससे भी डाटा कलेक्ट करें जिस व्यक्ति, क्योंकि नहीं तो आपको वो डाटा देगा नहीं। और एक और है कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कि हमारा जो रिसर्च टारगेट ग्रुप है उसकी कॉस्ट क्या पड़ती है, उसको बेनिफिट क्या हुआ, बेनिफिट पर्सनली हो या ना हो लेकिन पब्लिकली मींस कि फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट बेनिफिट ज्यादा है और इंडिविजुअल कॉस्ट जो है वो इतनी ज्यादा नहीं है, तो वो एनालिसिस करना भी बहुत जरूरी है। टाइम का कितना उससे टाइम ले रहे हैं व्यक्ति से, कि उसमें भी बैलेंस होना चाहिए। रिसर्च पर आप कितना पैसा खर्च कर रहे हैं उससे आपका सोशियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, फिजिकल कॉस्ट क्या आ रही है, क्योंकि आपकी अगर कॉस्ट बहुत ज्यादा है और उससे बेनिफिट बहुत कम है तो वो भी एक तरह से आपके सही रिसर्च स्टडी नहीं होगी। प्रिविलेजेस को भी हम कभी कभी मिसयूज करते हैं, आई एम ए प्रोफेसर, आई एम योर गाइड, है ना, तो जो रिसर्चर है उसको अपने गाइड को तो नाराज करना नहीं। तो बहुत बार क्या है कि हम अपने जो प्रिविलेजेस होते हैं, या हम प्रोफेसर हैं या मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और मैं रिसर्चर हूँ, आई स्टिल रिमेम्बर देयर वर वन रिसर्च स्टडी वाज कंडक्टेड एंड देयर वर इन्वेस्टिगेटर्स, और उन्होंने वो देखा कि कभी कभी इंफॉर्मेशन लोग नहीं देने को तैयार हैं। स्कूल में जाकर के डाटा कलेक्ट करना था, सो टीचर्स आर नॉट इंटरेस्टेड, देन दे यूज देयर पावर, दे यूज द पावर ऑफ देयर पेन, बिकॉज फॉर द रिसर्च स्टडी 3 टाइप ऑफ पेन वर गिवन, वन वॉज ब्लू, वन वॉज रेड, वन वॉज ग्रीन, कि दिस इंफॉर्मेशन यू हैव टू फिल विद रेड, दिस इंफॉर्मेशन विद ग्रीन, दिस इंफॉर्मेशन विद ब्लू, एंड यू नो टीचर्स आर वेरी अफ्रेड ऑफ रेड पेन, रेड से मार्क हो गया, तो दे स्टार्टेड यूजिंग देयर पावर, कि जब वो टीचर्स नहीं कुछ बातचीत ढंग से करते थे तो दे यूज्ड से भाई रेड पेन लाना जरा, तो दे वर अफ्रेड कि रेड पेन से तो ये कुछ लिख के चले जाएंगे,
तो वो भी है कि कभी कभी हम डेटा का मिस यूज करते हैं और अपना प्रिविलेज को यूज करते हैं, अपनी पावर को यूज करते हैं जिससे कि हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो उसमें इंफॉर्मेशन सही भी मिल सकता है और इंफॉर्मेशन सही भी नहीं मिल सकता। तो अथॉरिटी को अब्यूज करना भी एक तरह से अनएथिकल है। प्लेगरिज्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट विच नीड टू बी टेकन केयर। आई स्टिल रिमेम्बर समबडी, बहुत पुराना किसी ने आर्टिकल लिखा था और उसने सोचा कि ये तो बड़ा पुराना आर्टिकल है, पता नहीं उसमें आया होगा भी नहीं, क्योंकि बहुत सारी पुरानी चीजें जरूरी नहीं कि सारी की सारी गूगल पर अवेलेबल हो। सो दैट पर्सन थॉट कि किसी को पता भी नहीं लगेगा, बट ही विदाउट चेंजिंग एनीथिंग ही जस्ट चेंज्ड हिज नेम एंड दैट पर्सन पुट हिज नेम। And lately, because now things are available on net also, everything, even the older documents are available on net. अब आप गीता आप देखना चाहें, महाभारत आप देखना चाहें और दूसरा कोई epic देखना चाहें जो important होते हैं, which are cited, वो ज्यादातर आ चुके होते हैं। तो उस व्यक्ति ने देखा कि somebody has taken my article and the name is different and he filed. And he was very, you can say, find difficulty to save himself or herself, you can say. So, ये plagiarism कई तरह से है। आप full text को भी किसी का लेकर के अपना बना लेते हैं, आप आधा text लेकर के भी बना लेते हैं, आपने सारा ले लिया लेकिन सिर्फ district change कर दिया, data बदल दिया, आपने data का number बदल दिया, थोड़ा statistics बदल दिया, तो ये plagiarism जो है ना, that is also we have to be एथिकली, क्योंकि प्लेगरिज्म से हमें फायदा तो कुछ नहीं हुआ ना। वॉट एवर रिसर्च वी हैव कंडक्टेड इज ऑफ नो यूज। आपने डेटा मैनिपुलेट कर दिया, आपने नाम बदल दिया, डिस्ट्रिक्ट सब कुछ दूसरे डिस्ट्रिक्ट का था, आपने नाम दूसरे डिस्ट्रिक्ट का दे दिया। सो इस तरीके के प्लेगरिज्म, हालांकि आजकल तो प्लेगरिज्म टेस्ट करने के लिए भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आ गए, बहुत सारे टूल्स आ गए हैं, लेकिन फिर भी लोग मैनेज कर लेते हैं, कहीं कोमा कहीं लगा दिया, कहीं कोट कर दिया, कोट करके इन्वर्टेड कोमास में डाल दिया, तो और किसी लिमिट तक शायद 10% या 5% अलाउड है कि प्लैगराइज किया जा सकता है वो भी, लेकिन ऐसा नहीं कि सारा का सारा आप कोट करके और आप कह दे कि उसने किया। स्टीलिंग ऑफ वर्क है, दूसरे का वर्क स्टील करके अपने नाम कर देना, वो भी है। फ्रॉड, जैसे मैंने कहा कि डेटा को कलेक्ट किया ही नहीं, एक्चुअली गए ही नहीं आप फील्ड में, कोई और गया था, किसी का डेटा आपने लेकर के और फॉल्स रिप्रेजेंटेशन दे दिया, तो वो भी एक तरह से फ्रॉड है डेटा का। तो ये प्लेगरिज्म नहीं होना चाहिए, इसमें भी कोड ऑफ कंडक्ट है कि वॉट एवर यू डू ऑनेस्टली, क्योंकि यू आर टेकिंग लॉट ऑफ टाइम, यू आर टेकिंग फंड्स फ्रॉम समवेयर, and your objective is to get your degree, but at the same time you have to help the community, help the society, help the country. To sare ke sare agar aim lekar ke hum chalte hain, then definitely we will not do plagiarism par hum dhyan bhi denge, hum nahi karenge, hum kisi ka data bhi steal nahi karenge, aur hum bina field mein jaye. There are people I have seen that they have not gone to the field and they have collected the data. There was one study, that study was funded by somebody, so we were reviewing that study, and when we asked that this data seems not correct, he said no, we have gone there and they have not given information to us, they have, it was about the textbooks, how much information about health is included in the textbooks. So he said this is not the case of that state, we have reviewed earlier also. And there were a lot of chapters were there in that textbooks. He said, no, they have not given us the textbook. In front of them, we telephoned to the authority. कि उसको हमने फोन से बात किया कि भाई आपने इनको किताबें क्यों नहीं दी? तो उन्होंने कहा नहीं जी, हमने तो इनको पूरा बंडल किताबों का दिया, कौन कर हमने नहीं दी। What they did, they collected data from one state and they put the data in seven states, the same data in seven states. So वो भी है कि आप गए नहीं, आपने डेटा को एनालाइज ही नहीं किया, आपने देखी ही नहीं किताबें और आपने कह दिया कि उनकी किताबों में तो चैप्टर ही नहीं है,
तो अगर हम नहीं जानते, हमने नहीं उस स्टेट्स के बारे में पता होता तो वी कुड हैव बिलीव्ड इट, लेकिन क्योंकि हमने सारी स्टेट्स के बारे में पता था और हमें तो इसलिए कहा गया था कि जी बताइए जी चौधरी साहब, अब आप रेज कर रहे हैं हाथ या ऐसे ही? मैडम नाम भी पूरा बोल दीजिए, मैं भी चौधरी हूँ, कंफ्यूज हो जाता हूँ। अच्छा जी हाँ, अब पता नहीं डॉक्टर रविंद्र सिंह चौहान भी रेज कर रहे हैं और डॉक्टर धर्म, दोनों चौधरी बता दें, जिसने रेज नहीं किया वो बोल दे, कोई बात नहीं। विशाल जी मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है मैम। ओके थैंक यू सो मच मैम, मेरा भी कोई सवाल नहीं है, बस अच्छा लग रहा था इसलिए हैंड रेज कर दिया था, क्लास बहुत अच्छा लग रहा था मैम। ठीक है थैंक यू जी, वेलकम, थैंक यू जी, थैंक यू। सो मैं बस अभी थोड़ी देर में 5 मिनट में बंद ही करती हूँ। सो फ्रॉड फ्रॉड भी बहुत होता है कि इस तरीके से डिसिमिनेशन, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एथिक, कि हम अपनी स्टडी को लेकर के अलमारी में बंद ना करें। हम अपनी स्टडी को अलमारी में तभी बंद करते हैं जब हमने जी रविंद्र सिंह, जैसे हम लोग किसी टॉपिक पे जिस हम मैं ये जानना चाहता था कि जैसे हम लोग किसी टॉपिक पे रिसर्च करते हैं या पीएचडी के टाइम पर मैंने जो रिसर्च की, अब रिसर्च का मतलब होता है रिसर्च, अगर हम बात इसको शब्दों में अगर देखें रिसर्च यानी पुनः हम उसी को या उस टॉपिक से संबंधित कोई व्यक्ति या कोई मेरा स्टूडेंट उसी से संबंधित कुछ उसी टॉपिक से संबंधित नई रिसर्च करना चाहे तो उसमें तो बहुत सारी चीजें तो पुराने रिसर्च से तो मैच करेंगी करेंगी मैम, काफी हद तक जो है अगर इसको हम देखें कैसे देखेंगे। सपोज करो मेरा रिसर्च टॉपिक किसी एक टॉपिक पर था, अब उस टॉपिक में ही कोई स्टूडेंट या मेरा स्टूडेंट या आगे चल के हम ही मान लीजिए उसी में कुछ नई चीज खोजना चाहे करते हैं तो उसी प्लांट से रिलेटेड बहुत सारी चीजें जो है उसमें मैच करेंगी, तो उसको हम कैसे अवॉइड करें प्लैगरिज्म से? नहीं नहीं आप देखिए, अगर आपने मान लीजिए मैं ये कहती हूँ इवन मैंने रिसर्च की सेम प्लांट पर पहले है ना, और फिर उस रिसर्च को कोई दूसरा रिसर्च कर रहा है ना, क्योंकि मैंने जो खोजा वो ये सोचना चाहता है कि क्या ये एग्जिस्ट करता है सचमुच में या नहीं करता है, तो आपने प्लांट एग्जैक्टली वही लिया है ना, वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि जिस समय आपने उस प्लांट का स्टडी की वो प्लांट दूसरा था, अब वही प्लांट है उसका बेसिक वही है लेकिन प्लांट तो बदल गया ना, तो रिसर्च में कुछ चीजें नई भी आएंगी। तो बेसिक ये है कि रिसर्च, और अगर वो भी आती हैं, मान लीजिए जो मैंने रिसर्च की वही आपने की और वो कॉरबोरेट करती है मतलब एक उसके मैच करती है, सो नथिंग हार्म की, तो हम तो जस्टिफाई कर रहे हैं ना, उसकी वैलिडिटी रिलायबिलिटी और बढ़ गई कि भाई एक ने नहीं दो आदमियों ने रिसर्च की और दोनों के कंक्लूजन सेम थे। एक केस स्टडी भी है इसमें डॉक्टर रविंद्र, एक मैं ऐसी पढ़ रही थी कि एक बच्चे ने, एक स्टूडेंट रिसर्चर ने रिसर्च की और उसमें वो प्राइम इन्वेस्टिगेटर था, तो उसका नाम था प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर था, तो क्या हुआ कि लेटर ऑन वो वहां से छोड़ के चला गया, बाद में जो उसने रिसर्च की थी उसी तरीके की रिसर्च की तो रिजल्ट नहीं आया, साइंटिफिक रिसर्च थी तो रिजल्ट नहीं आया, तो उसे कहा गया कि भाई तू आ वापिस, ये केस स्टडी है रियल, वापिस आ और प्रूव कर कि भाई जो रिजल्ट तूने उस समय दिखाए थे उस वही रिजल्ट अब आने चाहिए, तो ही रिफ्यूज्ड। तो उन्होंने क्या किया कि एक कमेटी बैठा दी कि भाई ये तो गलत रिजल्ट है और इंटरनेशनल लेवल पर ही पेपर प्रेजेंट पब्लिश हो गया है, तो उन्होंने स्टडी की तो स्टडी में ये पाया गया कि जो उसने तरीका अपनाया था उस तरीके से जो उसकी फाइंडिंग थी वो नहीं निकली, लेकिन प्रोसेस में कहीं गलती नहीं थी, जो प्रोसेस था वो ऑनेस्टली उसने अपनाया था, हालांकि उसको नुकसान ये हुआ कि उस पेपर को वहां से विड्रॉ करवा दिया गया। तो ऐसा भी होता है, ऐसा होना नहीं चाहिए, उसमें वही था कि इसमें अगर लीगली देखा जाए तो उसका कोई फॉल्ट नहीं था, उस समय उसने लिया जो सॉल्ट लिया, हो सकता है उस सॉल्ट में कुछ हो, कुछ भी तो हो सकता है ना, जो आपने एक्सपेरिमेंट किया। यस मैम, जरूरी नहीं है कि जो है अगर हम दो एक्सपेरिमेंट लगाए सेम जगह और दोनों के फाइंडिंग सेम आए, ये कोई जरूरी नहीं है, रिजल्ट सेम आए जरूरी नहीं है। तो उसमें यही दिखा था कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में, ये कई बार क्या होता है कि लोग जो है बाई फेस ले लेते हैं, रिसर्च का मतलब कंबाइंड में लो तो शोध, भाई किसी भी चीज का शोध कर रहे हो तो नई नॉलेज भी ढूंढ सकते हो और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको वैलिडेट भी कर सकते हैं, तो इसलिए है कि रिसर्च को करो तो डिसिमिनेट भी करो, और डिसिमिनेट हम तभी कर सकते हैं जब हमने सही तरीके से
रिसर्च की हो, अगर हमने प्लेगरिज्म कर रखा है, हमने फ्रॉड कर रखा है, तो हम क्या करते हैं जल्दी से डिग्री मिल जाए और उसको अपनी अलमारी में बंद करके रख देते हैं। इसलिए कहते हैं कि डिसिमिनेशन भी होना चाहिए। ऑलरेडी जो एक रिसर्च हो चुकी है, उसी चीज को कोई दूसरा व्यक्ति पुष्टि कर रहा है, उसकी उसको वेरीफाई कर रहा है अपनी नई रिसर्च से कि हाँ ये जो फाइंडिंग्स थी दे आर करेक्ट, तो वो प्लेगरिज्म के अंडर नहीं आया। नहीं, आपने डेटा अलग लिया, आपने जो टूल किया, आपने प्रोसेस किया, लैब में किया, तो आपका तो प्रोसेस था, चाहे टॉपिक वही था, प्रोसेस वही था, लेकिन आपने खुद करके देखा है ना, आप जस्टिफाई कर रहे हैं, वो प्लेगरिज्म थोड़ी होगा। आप लिखेंगे तो उसके शब्द थोड़ी ले रहे हैं, शब्द तो आप अपने ले रहे हैं ना, रिजल्ट में भी द सेम, तो वो प्लेगरिज्म नहीं होता है। प्लेगरिज्म क्या होता है कि लोग क्या है कि सेंटेंस के सेंटेंस को पूरे पेज के पेज उठाते हैं और वो चिपका देते हैं, या फिर पेज चिपकाया डिस्ट्रिक्ट बदला तो वो कह सकता है जी मेरा तो डिस्ट्रिक्ट अलग था, लेकिन डिस्ट्रिक्ट अलग है तो एक जैसा रिजल्ट कैसे आ सकता है, किसी एक चीज में आ सकता है, सारी चीजों में तो नहीं आ सकता ना, तो कहीं ना कहीं पकड़ा जाता है आदमी प्लेगरिज्म। ओके मैम जी, तो बेसिकली यही है यार। चलिए कि हम प्रश्न था मेरा जी, बताइए, अब प्रश्न ही कर लेते, मैं 2 सेकंड लगाऊंगी बस, फिर मैं खत्म करती हूँ, क्योंकि एथिक को प्रमोशन भी करना है कि आप लोगों को, लोगों अपने स्टूडेंट्स को, अपने टीचर्स को, और वैसे भी ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने चाहिए जिससे कि हम एथिक्स को प्रमोट कर सकें। सो थैंक यू सो मच, नाउ आई यू कैन आस्क क्वेश्चन। जी बताइए मैम, आपने व्याख्यान के दौरान 2 शब्द कहे कि रिसर्च के लिए क्या जरूरी है, ह्यूमन डिग्निटी और ह्यूमन राइट। जी हम जिस समय में हैं जहां कैपिटल या पूंजी कहें अपने सबसे उत्कृष्ट दौर में कह सकते हैं, जब सारे फंड एजेंसी इस बात पे धन नहीं मुहैया करा रही कि आप ह्यूमन राइट या इस पे काम करें, और सब कुछ लगभग कैपिटल के पक्ष में जा रहा है, पूंजी के पक्ष में जा रहा है, तो रिसर्च की कितनी संभावनाएं हैं जहां ह्यूमन राइट और ह्यूमन डिग्निटी के हिसाब से बात की जाए, उस पे रिसर्च हो, क्योंकि उम्मीद तो नहीं दिखेगी अब यूजीसी के नियमानुसार जो भी चीजें चल रही हैं कि अब आपको प्राइवेट एजेंसीज पैसा देंगी, और प्राइवेट एजेंसीज जो भी हैं वो लगभग पूंजी के पक्ष में गई हुई हैं, वो क्यों पैसा देंगी कि आप ह्यूमन राइट के पक्ष में बात करें, क्योंकि अगर आप ह्यूमन राइट के पक्ष में बात करेंगे तो बहुत सी चीजें हैं जिससे पैसा नहीं कमाया जा सकता, उनके या उनके पैसा कमाने की प्रवृत्ति में कमी आएगी, तो वो इसे रोकने के लिए ह्यूमन राइट या ह्यूमन डिग्निटी जैसे शब्दों पे या इनकी अपनी जो पुरजोर कोशिश है ऐसी चीजें में उस पे क्यों रिसर्च करवाएंगे। अरे बात बिल्कुल गवर्नमेंट तो यार बिल्कुल बात इम्प्लीमेंटेशन की कर रहे हैं, लेकिन देखिए हम जो कम से कम जो हमारे हाथ में है डॉक्टर सचिन, कि भाई जब हम अपने स्टूडेंट से रिसर्च करवाएं तो कुछ चीजों का ध्यान तो रखें ना, मैंने कहा ना मिनिमाइज तो कर सकते हैं भाई, मैक्सिमाइज ना करें, मिनिमाइज तो रिस्क हो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और ह्यूमन डिग्निटी का मतलब है आप डाटा कलेक्ट करने जा रहे हैं तो किसी को टॉर्चर करके डाटा कलेक्ट नहीं करें ना, अब कोई डाटा बिलिंग दे ही नहीं रहा तो हम डाटा कलेक्ट करने जा रहे हैं, ऐसे तो बहुत है। अब देखिए किसी ने कहा कि टूथपेस्ट है ना, टूथपेस्ट पर रिसर्च करते हैं, अब टूथपेस्ट पर एक जगह आया था कि आप सिर्फ मटर के दाने जितना पेस्ट लगाएं और उससे ज्यादा नहीं लगाएं, उससे क्या होगा कि अब जो कंपनी है, जो आप कह रहे हैं ना कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है, उसमें तो वो पेस्ट बनाने वाली कंपनी को तो फिर फायदा होगा ही नहीं क्योंकि उसकी बिक्री ज्यादा होगी नहीं। उसने फिर क्या किया कि रिसर्च करवा के कहा कि भाई इस पेस्ट का ना जो जहां से पेस्ट निकलता है उसको थोड़ा चौड़ा कर दो कि आप कितने भी जोर लगाओ जैसे आपने दबाया वो उससे ज्यादा ही आ जाएगा तो कंजम्पशन बढ़ जाएगा। तो बेसिकली ये कि ये बात बिल्कुल सही है कि इंटरेस्ट क्लैश कर रहे हैं, जहाँ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है, फंडिंग एजेंसीज हैं, वो उनका इंटरेस्ट अगर नहीं है तो फंड नहीं देती, ये बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन हम जहां तक कोशिश करें कि जितना मिनिमाइज रिस्क हो सके उतना हम ध्यान तो दे सकते हैं ना, नहीं जी बिल्कुल, मतलब अपनी तरफ से तो बेहतर ही करना चाहेंगे हम लोग, लेकिन मैंने वही उन्हीं संभावनाओं पे सोचा कि कुछ प्रश्न।
नमस्ते मैम, एक क्वेश्चन मेरा है मैम। नमस्ते जी, बताइए। जैसे हम मैम प्लेगरिज्म चेक करते हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर है, टर्निटी ने, आइथेंटिकेट है, उरकुंड है, तो मैम सब में प्लेगरिज्म का परसेंटेज अलग अलग आता है। और दूसरी बात मैम, इनमें बहुत मतलब सेल्फ अगर हमने पूरा आर्टिकल भी लिखा है तो भी वो काफी चीजें पकड़ लेता है। मतलब हमने कुछ भी मतलब टेक्स्ट नहीं लिया है, कहीं से भी बाहर से एक भी लाइन कॉपी नहीं की है, उसके बाद भी मैम वो सिमिलर टेक्स्ट पकड़ लेता है। जैसे टर्निटिन में देखा जाए तो वो एट अर्ली पकड़ लेता है, अगर हमने वेरियस साइंटिस्ट को कोट कराए तो एट अर्ली से ही प्लेगरिज्म परसेंटेज बढ़ जाता है। और अलग अलग सॉफ्टवेयर में मैम वेरिएबिलिटी भी है कि हम किसे माने। ये बिल्कुल, ये डॉक्टर आकाश बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन ये है कि जब वो रिव्यू कमेटी आपके रिसर्च को रिव्यू करती है और इस तरह की चीजें देखती है, तो उसमें वो देखती है कि आपका नाम से परसेंटेज बढ़ रहा है वो नहीं, पर एक्चुअल में जो टेक्स्ट है जो आपने एनालिसिस किया। अब जैसे रिव्यू रिसर्च करते हैं तो रिव्यू में ज्यादातर तो हम उनकी स्टडीज तो ले रहे हैं, है ना, तो रिव्यू में तो वो कहेंगे कि आपने बहुत सारा प्लेगरिज्म कर दिया। तो इसलिए जब वो रिव्यू रिसर्च कमेटी होती है वो भी आइडेंटिफाई करती है कि किस चीज को हम अंडर प्लेगरिज्म मानेंगे और किस चीज को हम नहीं मानेंगे। और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये 100%, अब तो AI आ गया वो भी 100% सेफ नहीं है। अभी आया था ना कि आई एक डब्बा, क्या है वो नया जो निकला है, उसमें ही बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए जिन्होंने प्रधानमंत्री जी के बारे में कुछ दिया था, है ना, द बार्ड, क्या नाम है उसका, जो भी। तो बेसिकली ये है कि जितने भी टूल्स हैं उन टूल्स को हम यूज तो करते हैं, लेकिन उन टूल्स में भी कितना वेरिएशंस भी है, तो आपकी कमेटी कितना वेरिएशंस एक्सेप्ट करती है उसके हिसाब से तो हमें काम करना ही पड़ेगा ना, और फिर जस्टिफाई करना पड़ेगा कि जी मेरा जो आया है। अब जैसे आकाश नाम लिखा, अब आकाश नाम से और कोई साइंटिस्ट है तो वो कहेगा जी आपने प्लेगरिज्म कर लिया, तो उस तरीके से तो नहीं होता है। पर बेसिकली एक एनालिसिस करते समय पता लग जाता है कि भाई इसने एनालिसिस आपका इसका ओरिजिनल था या इसका एनालिसिस एक तरह से इन्होंने कहीं से कॉपी करके दिया हुआ। जैसे मैंने बताया कि मैंने स्टडी जैसे उन्होंने प्रेजेंट किया कि भाई वहां तो है ही नहीं जी, अब प्लेजरिज्म ही तो अगर मुझे पता नहीं होता तो मैं मान के चलती है भाई हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वहां उसमें नहीं होगा, बट सिंस वी डिड द स्टडी अर्लियर ऑल्सो और फिर हमें ये कहा गया कि नहीं नहीं आपने स्टडी की है ना इसलिए आप तो कहेंगे ही, इसलिए एक्सटर्नल एजेंसीज को लगाते हैं, तो एक्सटर्नल एजेंसी को लगाया और उसने फिर इस तरीके की स्टडी दी। तो ये भी बात है, पता हो जाता है। और ये बात तो सही है कि कमेटी विल डिसाइड कि प्लेजरिज्म जो डिफरेंट आपके टूल्स हैं उसको कितना मानोगे और किस हद तक का, किस तरीके का प्लेजरिज्म को आप प्लेजरिज्म मानोगे और किस तरीके का नहीं मानोगे। जी जी डॉक्टर राज बहादुर जी। जी मैम, कभी कभी देख मैं साहित्य से संबंध रखता हूँ, जब जैसे रिसर्च करते हैं तो हमको लगता है कि ये पूर्ण हो चुका है, लेकिन उसके बाद जब होता है 2-4, 10 साल 5-5 साल बाद ऐसा लगता है कि हमारा रिसर्च जैसे करना चाहिए था वैसा हुआ नहीं। उस समय तो हम लोग ईमानदारी से करते हैं, लेकिन लगता है कि अभी सामग्री जब मिलना शुरू होती है तो हमें लगता है कि हमारा रिसर्च वैसा नहीं हुआ, तो इस स्थिति में क्या करेंगे। जैसे मटेरियल तो मिलता है जैसे हिंदी, हाँ हाँ नहीं बिल्कुल सही, मैं आपकी बात समझ गई। ऐसा ना, जब आपने शुरू की थी रिसर्च तब आपकी समझ और आपके पास अवेलेबल मटेरियल क्या था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता आपके पास अवेलेबिलिटी भी बहुत हो गई, आपका एक्सपोजर भी बढ़ गया, तो आपको लगता है अरे ये डायमेंशन तो मैंने ली नहीं, जबकि ये डायमेंशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए रिसर्च कहीं एंड थोड़ी हो जाती है, रिसर्च उसी एरिया में। आप देखो महाभारत कितने लोगों ने लिख दी, महाभारत वेद व्यास ने लिखी, लेकिन उसके बाद तो सो मेनी महाभारत सारा अवेलेबल, साउथ में जाओ तो कुछ और है, कहीं नॉर्थ ईस्ट में जाओ तो कुछ और है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोगों ने उसको रिसर्च किया, उसको बदल दिया, तो ये चीजें तो इट्स अ कंटिन्यूम है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने एक बार कर दी और खत्म हो गई। अब बहुत सी दवाइयां हैं, बहुत सी दवाइयां बैन होगी जो पहले यूज होती थी, पहले वो इफेक्टिव थी, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखा कि उसका तो साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है तो वो बैन कर दी, अब नई जनरेशन आ गई।
तो ऐसे ही लिटरेचर में भी जिन्होंने पहले लिखा, अब आप देखो किसी का भी पढ़ लो पहले, अब कुछ लोग पहले लिखते थे सारा गरीबी पर था, अब अगर गरीबी की बहुत ज्यादा बात करें तो उतना शायद नहीं भी है, अब हमारे इश्यूज कुछ और है, अब इश्यूज हमारे मॉडर्नाइजेशन के है, हम ओवर कंजम्पशन के है, पहले हम भूखमरी की बात करते थे अब हम ओबेसिटी की भी बात कर रहे हैं, पहले मोटापे की बात कोई करता था, मोटा होता ही नहीं था कोई ज्यादातर, लेकिन अब तो मोटापा बढ़ता जा रहा है, तो इश्यूज बदलते जाते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ऐसे ही साहित्य में भी चीजें बदलती जा रही हैं, तो जरूरी नहीं कि जो पहले किया वो उस कॉन्टेक्स्ट में था, अब आगे करेंगे तो आप नए कॉन्टेक्स्ट में उसी बात को कर सकते हैं। आज भी महाभारत गीता पर हो ही रही है रिसर्चेस, होती है ना, गीता वही की वही है, आपने किसी ने और ने रिसर्च की तो तब कुछ और उसने एंगल लिया, अब कोई और एंगल से वो काम करेगा। जी, am I able to answer your question? जी मैम, वही जवाब मिला कि जी मैम, एंटी थीसिस की बात हो जाती है अपनी थीसिस को लेके, हाँ अपनी थीसिस की हो जाती ना, हर आदमी दूसरी तरह से सोचता है, वो कहते ना हाफ ग्लास फुल और हाफ एम्प्टी, आप क्या किस तरीके से सोचते हैं उस पर है। सो थैंक यू सो मच, आप एंजॉय करिए, हैव ए गुड डे, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैडम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू जी, अब आपसे इजाजत ले लूं, थैंक यू मैम जी, थैंक यू मैम, ओके जी, यस प्लीज मैम, ओके, धन्यवाद सभी का, बहुत थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम।